बरसाने की लाडली नंदग्राम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमंत विराजी कथा कहोमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारी पवन कुमार परम पूज्य श्री सिद्ध विद्यदाता श्री गणेश महाराज जी को कोट कोट प्रणाम। मुझे कथा करने शक्ति प्रदान करें अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज को मेरी कोट कोट प्रणाम। मुझे कथा करने शक्ति प्रदान करें सिद्ध विद्यदाता श्री गणेश जी महाराज माता शारदा जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मुझे कथा करने शक्ति प्रदान करें भगवान भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की पधारे कथा सुन करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। राज सरस्य श्री श्री राधा रानी अपने चरणों से दोनों कर प्रार्थना है। श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों कोट कोट प्रणाम। मुझे कथा करने शक्ति प्रदान करें शिव्यास भगवान श्री सुखदेव जी भगवान के चरणों कोट कोट प्रणाम। मुझे कथा करने शक्ति प्रदान करें श्री राधा कृष्ण जी के चरणों कोट कोट प्रणाम। मुझे कथा करने शक्ति प्रदान करें ग्राम देवता वासुदेवता स्थान देवता भवन प्रेत पिशाचा देव राक्षस सभी को कोट कोट प्रणाम। मुझे कथा करने शक्ति प्रदान करें इसी क्रम में पूज्य माता पिताजी को कोट कोट प्रणाम। मुझे कथा करने शक्ति प्रदान करें माँ हिंगलाज वानी माँ कठना सिंह माता माँ बारही जी के चरणों कोट कोट प्रणाम। मुझे कथा करने शक्ति प्रदान करें हमारे मुख्य यजमान श्री राय साहब को कोट कोट साधुवाद। हमारे परमाचार्य श्री आशीष जी महाराज कोट कोट साधुवाद। मंच पे संगत कर रहे श्री रामशरण जी प्रयागराज से आए अयोध्या से भोला जी और लखनऊ के धरती से श्री त्रिपाठी जी कोट कोट साधुवाद। आगरा से पधारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा आप लोगों को पहुंचा रहे मनीष जी कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। और जितने भी श्रोता महानुभाव यहाँ पधार रहे हैं सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा कोट कोट प्रणाम। प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। सत्यन श्री अस्सीदा जी के चित्र को चतार करने वाले परम पूजनीय माता बहन बेटियों को कोट कोट प्रणाम। प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज भगवान की पावन कथा का पंचम दिवस हम सब भाव के साथ भगवान की कथा सुन करेंगे। आई चरणों में प्रभु के मन लगाएं इसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे प्रेम के साथ। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आए। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आए। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आए। याद आई तेरी याद आई। याद आई सागर आजा आजा
आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। हरि बोल। जब याद तेरी आती है, याद तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है, एक अजब नजारा होता है, एक टीस सी उठती है, दिल बेचैन हमारा होता है, बेचैन हमारा होता है, बेचैन हमारा होता है, बेचैन हमारा होता है, बेचैन हमारा होता है। आजा 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 रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, हो याद आई तेरी याद आई, याद आई तेरी याद आई, संसार बना दुखदाई, संसार बना दुखदाई, दुखदाई दुखदाई, आजा आजा कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब शाम याद तेरी आती है, जब शाम याद तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है, अजब नजारा होता है, दिल प्यार छिपाए सीने में तेरा प्यार छिपाए सीने में, दिन रात तड़पता रहता हूँ, दिन रात तड़पता रहता, कैसे मैं तुम्हें ये बतलाऊँ, कैसे तुम्हें मैं बतलाऊँ, रो रो के गुजारा होता है, रो रो के गुजारा होता है, मझधार में गोता खाता हूँ, मझधार में गोता खाता हूँ, एक तेरा सहारा होता है, एक तेरा सहारा होता है, संसार बना दुखदाई, संसार बना
प्रेम से कहिएगा कन्हैया आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आए, 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 आजा आजा रे कन्हैया तेरी कन्हैया तेरी याद आई। मैं चलता हूँ मैं फिरता हूँ दुनिया से दर्द छिपाने को, ये दुनिया वाले क्या जाने क्या प्रेम तुम्हारा होता है। मझधार में गोता खाता हूँ, एक तेरा सहारा होता है। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। कृष्ण एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली, सारी दुनिया के मिलने से क्या फायदा। आंखों में एक भाव होना चाहिए, कृष्ण हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। और सच में जिसे भगवान का दर्शन हो गया उसे दुनिया में कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। सूरदास जी अंधे थे, जब सूरदास जी को भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने कहा ओ सूरदास आज क्या चाहते हो तुम। सूरदास ने कहा कन्हैया अगर तुम मुझे देना चाहते तो एक मांग मेरी पूरी कर दो। भगवान ने कहा क्या। कहा बस यही मांगना चाहता हूं कि मुझे पुनः अंधा बना दो। कृष्ण ने कहा कि आप दुनिया देखने के लिए आंख को पाए हो तो अंधा होना क्यों चाहते हो। कहा कि एक बार दुनिया को देखना फिर तुम्हें देखना तो कहीं ऐसा ना हो कृष्ण कि दुनिया को देखते देखते तुम छिप जाओ, इसलिए तुम्हें देख लो तो आंखों में आनंद आ जाए, हृदय गदगद हो जाए। प्यारे दिन का पावन प्रसंग आपने सुना, भगवान ने वृंदावन में प्रस्थान किया और वृंदावन में जाकर के भगवान, अब देखिए जरा विचार करना है, यहां हम कृष्ण के लिए क्या छोड़ते हैं। हम सब दावा तो बहुत करते हैं हमने ये छोड़ दिया, कुछ लोग कहते हैं हमने घर छोड़ दिया, कुछ लोग कहते हैं परिवार छोड़ दिया, हम साधु बन गए सन्यासी बन गए कृष्ण को पाने के लिए। लेकिन मेरे भैयाओं जो ब्रजवासियों ने कृष्ण के लिए छोड़ा वो दुनिया में शायद कोई भी नहीं छोड़ सकता जो ब्रजवासियों ने छोड़ा था। सब कुछ छोड़ करके कृष्ण को पाने की लालसा से वन में चले आए। 85 चौक का महल भगवान श्री नंद बाबा के, उस महल को नंद बाबा ने छोड़ दिया क्यों, मेरा कृष्ण प्रसन्न रहे। ग्वाल बालों ने अपना सारा सुख वैभव त्याग दिया क्यों, मेरा कृष्ण प्रसन्न रहे।
देखिए भगवान को प्रसन्न कर लो, दुनिया अपने आप प्रसन्न हो जाया करती है। और अगर भगवान नहीं प्रसन्न हुआ तो दुनिया में सब रिश्तेदार नातेदार प्रसन्न हो जाए, लेकिन ये चंद समय के लिए। देखिए जब तक आपसे कुछ लगाव रहता है ना, तब तक आपने देखा होगा पूरी दुनिया जी 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 करती रहती है। स्वार्थ खत्म हो जाए तो जी जी कहने वाले तू तू कहने पर आ जाते हैं। जो आपको बहुत जी जी कह रहे हैं ना, स्वार्थ की सिद्धि भई जी जी कहने वाले तू तू पे उतारो हो जाता है। इस नाते ये संसार रहने योग्य नहीं है। बस करना क्या है, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो संसार में ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। जैसे कमल पानी में रहता है, कमल का कोई कमल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं जल का पड़ता, उसी प्रकार से संसार का प्रभाव हम पे आप पे न पड़ने पावे, ऐसा भाव रख करके संसार में रहना चाहिए। आज भगवान गए, अब जरा विचार करिए, भगवान की उम्र है 4 वर्ष की, तो जब भगवान की उम्र 4 वर्ष की है तो ग्वाल बाल कितनी उम्र के होंगे। आज कन्हैया बोली मैया, ओ मैया मैं गैया चरा वो जाएगी। मैया बोली अरे लाला तू तो ग्वाला को छोरा ठहरे हो, गैया बाद में चरा ली जो। कन्हैया बोले नाए नाए मैया मोते आबालो ही गैया चरानो। मैया बोली लाला भी तू छोटो सो है, पहले बछड़न तो चराओ सीख जा। सो आज मेरी ठाकुर जी बछड़ा चराने लगे। कदाचित् यमुना तीरे वश्चार्यतो स्वकै। भगवान श्री कृष्ण और बलराम बछड़ा चरा रहे थे कृष्ण को मारने की नियत से। एक राक्षस है जिसका नाम है वत्सासुर, तमवस्वरूपिणं वीक्षे वत्स यूथ गतम हरिः दर्शयेन वलदेवाय सने मुग्ध इवादसत। दशम स्कंद 11वां अध्याय 42वां श्लोक। बछड़ा बनकर के आ गया और भगवान के बछड़ों में आकर के मिल गया। बलराम जी ने अनजान बच्चे की तरह जाकर के उस दैत्य के पास पहुंचे और पहुंच करके पूंछ पकड़ करके और पिछला पैर पकड़ा पकड़ करके उठा करके पटका, सौ गोविंद आए नमो नमः, मार दिया गया। और जब इसको मारा तो देवता बड़े गदगद हुए, पुष्प की वर्षा करने लगे। एक दिन भगवान गैया चराते जमुना जी के तीर पहुंचे तो वहां पर देख क्या रहे हैं, स्वाम स्वाम वत्स कुले सर्वे पायस्यन्ति एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर जलम। भगवान गैया चरा रहे थे, देखा एक बड़ा विशाल काय बकुला। अच्छा आपने देखा होगा कि बगुला क्या है, बोले आज के कपटी संतों का प्रतीक है ना। बगुला कैसा लगता है, जिससे संत लगता है। नदी के किनारे एकदम खड़ा रहेगा, ध्यान लगाता रहेगा, मालूम पड़ता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा महात्मा तो यही है। लेकिन अगर एक मछली बाहर आ जाए तो भगवान ने कहा कि ऐसे कपटी लोगों को संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। सो भगवान ने सवैव को नाम महान सुरो बकरूपधृका आगत सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो वृषद बली आया और भगवान को चोंच के द्वारा निगलने लगा। और उसी समय भगवान ने पकड़ा इसका चोंच और पकड़ करके दोनों हाथों से फाड़ दिया। स्वयं गोविंदाय नमो नमः, मारा गया। कई लोग हमसे पूछते महाराज जी राक्षसों को बड़ा जल्दी मार देते हैं, हमने कहा ये कोई हमारे महापुरुष तो है नहीं कि इनका पुण्यतिथि मनाना है, राक्षस हैं मर गए इनका कोई पुण्यतिथि तो मनाना नहीं है कि नोट करके रखा जाए आदरणीय पूजनीय फलाना जी, इनसे क्या लेना, राक्षस हैं मर गए है ना।
अच्छा इसके मरने के बाद एक और राक्षस जो पूतना और बकासुर का भाई था भगवान श्री कृष्ण और काऊ भैया एक दिन गैया चराने के लिए जमुना किनारे पहुंचे तो देख क्या रहे हैं कि प्यारे बड़ा आनंद है जमुना जी के किनारे और उसी समय एक राक्षस जिसका नाम है अघासुर जब इसने सुना कि मेरे भाई बकासुर को और मेरी बहन पूतना को कृष्ण ने मार दिया तो अयम तु मे श्रोदर नाश कृतयो मेमन सबलम हनिष्य भगवान श्री कृष्ण को मारने की नियत से यह प्रण कर अजगर बना जो जन एक प्रमाण एक ओठ नभ से लगा दूजा धरा तुला दूजा धरा तुला एक ऊंट नीचे रखा और दूसरा ऊंट आकाश में ले गए। ग्वाल वालों ने कहा वारे भैया इतनी सजीव गुफा हमने आज तक नहीं देखी। एक ग्वाला बोला भैया तुम देखे नहीं लेकिन हम सुने बहुत बार हैं। हमारी दादी कभी कभी हमको कहानी सुनाते समय बताया करती थी कि जंगल में गुफा होवे गुफा में महात्मा तपस्या करें। सो भैया गुफा तो दिख गयो महात्मन को दर्शन कर आवेंगे चल करके आनंद है जावेगो। अच्छा जैसे थोड़ा सा भीतर सब गए तो अघासुर का जो जीव है ना एक ने कहा वारे भैया महात्मन के ठाट बाट देखो गद्दीदार रोड बनवा रखा है भीतर जाने के लिए। तब तक एक को दांत दिखाई पड़ा अरे भैया ये सफेद सफेद कहा चीज है भैया तो ही पतो ना है। महात्मन ने सोची होगी कि कोई दर्शन करवे आवे काऊ भक्त आवे झोला झंडी कछु लेके आवे तो वो बाहर टांग करके तब खाली हाथ महात्मा को जाए प्रणाम करे नहीं तो एक हाथ में झोला रहे तो एक हाथ से कैसे प्रणाम करे। हैं महात्मा बड़े होशियार तो और भीतर गए तो सांप के लाल होता है ना यहाँ एक ने कहा भैया ये लाल लाल का चीज है ओए भैया तुम्हें तो पतो ना है महात्मा यज्ञ कर रहे होंगे हवन कर रहे होंगे तो ये कि हवन ते कछु धुआं भयो होएगो सो लाल है गो। अच्छा और भीतर के तो जो अघासुर अभी तक श्वास रोके बैठा था उसने श्वास छोड़ा तो दुर्गंध आई एक ना कहा भैया ये दुर्गंध काहे को आए रहो अरे भैया तो पतो ना है महात्मा यज्ञ कर रहे होंगे और अचानक धुएं से कोई जीव जंतु मर गया होगा चलो चल करके उसको बाहर कर आवेंगे महात्मा को सेवा कर आवेंगे गुफा की साफ सफाई कर आवेंगे काऊ बात ना है। अब एक पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है और जब सब भीतर चले गए और ये इंतजार कर रहा था कि कृष्ण भी आ जाए तो फिर हमारा काम बन जाए भगवान ने रोका रे भैया ये असुर है भीतर मत जाइयो लेकिन ये नहीं माने ये भीतर चले गए। तो भगवान का एक स्वभाव है कि पहले तो अपने भक्त को पाप में जाने नहीं देते अब अगर कोई भूल से पाप में प्रवेश कर जाए तो भगवान क्या है बोले अघहारी अघ माने पाप और हारी माने हरण करने वाले तो भगवान क्या करते हैं भक्त को उसके पाप राशि से मुक्त करके उसे भवसागर पार कर देते। भगवान भीतर गए अरौण अड़ियान महतो महियान भगवान जब चाहे तब छोटा बन जाए जब चाहे तब बड़ा बन जाए और भगवान ने जाकर के शरीर को इतना विशाल किया कि जो अघासुर अब तक बैठा था शांत अचानक इसका शरीर फटने लगा तो बाहर किया भगवान को। अब भगवान को मारने की नियत से फन का प्रहार करने लगा और सो भगवान ने इसको मारा और मार करके गोविंद आए नमो नमः। लेकिन परीक्षित आपको बता दूं ये कार्य भगवान ने किया 6 वर्ष की अवस्था में। ये भगवान ने अघासुर को मारा 5 वर्ष की अवस्था में लेकिन बताया 1 वर्ष के बाद अपने माता को अपने पिता को ग्वाल बालों
राजा परीक्षित जी ने कहा जब एक वर्ष पहले मारा तो एक वर्ष के बाद काहे बताए, वैसे तो भगवान कोई भी कार्य करके आते हैं तो माता पिता को बता देते हैं, तो एक वर्ष बाद क्यों? तो कहते कि श्रृणस्वावहितो राजन नपि गुह्यं वदामि ते गुरुयोः कृष्णगधस्य शिष्यस्य गुरवो मुह्यमप्युतः। ध्यान दीजिएगा, कथा में कितनी रुचि है यह योग शिष्य को देख करके पता चल जाता है ना? तो जब कथा सुनने वाले की रुचि होती है तो जो गुरुदेव होते हैं वह अपने भीतर कोई भी गूढ़ तत्व को छिपा करके नहीं रखते। गूढ़ तत्व न साध दुरावहि आरति अधिकारी जहां पावहि। अब मान लीजिए सुनने वाला अल्पज्ञ हो, सुनाने वाला विशेषज्ञ हो, या सुनने वाला विशेषज्ञ हो और सुनाने वाला अल्पज्ञ हो तो काम नहीं चलेगा ना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। वक्ता से विद्वान कौन होना चाहिए? श्रोता होना चाहिए, बात को समझने वाला हो, बात को पकड़ने वाला हो। तो ऐसे श्रोता होनी चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि इस रहस्य को हम बाद में बताएंगे, और बात ये थी एक वर्ष के बाद बताने के पीछे कारण एक था। कहा क्या कारण था? बोले अत्र भोक्तस्माभि दिवारूढ़ं क्षुधार्तिता बस्सा समीपे पपित्वा चरन्तो सनके तृणाम। दशम स्कंद के 13वें अध्याय का 6वां श्लोक, वहां पर लिखा हुआ है। एक दिन भगवान गई बछड़ा चराते चराते सुदूर दम जंगल में चले गए, और जब सुदूर जंगल में पहुंचे तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया दिन अधिक चढ़ी आया है, चलो चल करके कछु खा पी लेते हैं। अच्छा, अब भगवान ने देखा कि गाय और बछड़े हरी हरी घास चर रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं? बोले सबके साथ बैठ करके भोजन करने लगे। अच्छा, भोजन भी कैसे कर रहे हैं? बोले नाच गा करके भोजन कर रहे हैं। कभी भगवान इसमें से कुछ ले लेते, कभी उसमें से कुछ ले लेते, कभी उसमें से कुछ ले लेते। अब बताओ, ब्रह्मा जी को भगवान के ऊपर आश्चर्य होगा, अरे राम राम, ये भगवान है? भगवान का कोई भी लक्षण इसके शरीर में नहीं दिख रहा है। अरे भाई, भोजन पवित्रता से करनी चाहिए, और ये कैसा भगवान जो इसका जूठा खाता है उसका जूठा खाता है। भोजन तो मौन होकर के करना चाहिए, ये कैसा भगवान जो बोल बोल करके भोजन कर रहा है। भोजन तो आसन पर बैठ करके करना चाहिए, और ये कैसा भगवान जो नाच गा करके भोजन कर रहा है। और भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है मधुमंगल, बड़ा गरीब है। एक दिन मधुमंगल से भगवान के ग्वाल वालों ने कहा देख भैया, तू सबका दिया खाता है लेकिन अपना तो कभी किसी को कुछ नहीं खिलाता। अरे कन्हैया, किसी दिन इससे भी कह दो कि जाकर के कुछ लायो करे, हम समन को खवावो करे। भगवान तो जानते कि मधुमंगल कितना गरीब है, लेकिन भगवान ने जब ग्वाल बालों की बात सुनी तो बोले अरे मधुमंगल, एक काम करते हैं, कल तेरे घर का भोजन आएगा और हम सब चकाचक भंडारा करेंगे। अब तो मन सुखा बोलो कन्हैया, दुनिया बारे ना जाने काऊ बात ना है, तू तो भगवान है, ब्रह्म है, तुम्हें तो सब कुछ पता है, मुपे का है का नाए है, और लाला तू ऐसो बात करो हमारी बदनामी है जाएगी, तुम अच्छो लगेगो। मधुमंगल घर गयो, मैया ते पूछो मैया काऊ दिना काहू पुआ लेके आवे, मलाई लेके आवे, रबड़ी लेके आवे। मैया मैया मैया, आज कन्हैया ने मोते भोजन मांगियो, कछु खावन को मांगियो है, मोकू देगी का?
मैया बोली लाला तू तो जानतो सुबह मिल जातो कछु खावन को तो शाम को कछु ना मिल पावे, फिर आगे बाधो तू कह रहो कछु मिल जाए तो ठीक है। अरे लाला जाए के कन्हैया ते कह दीजो कि मुंह पे कछु ना आए। मधुमंगल बोलियो मैया कछु है जाए हम कन्हैया ते जाए करके बहानेबाजी ना कर पावे। तो मैया ने कहा लाला तीन दिन पहले एक जगह कढ़ी मिली थी वो रखी भाई है। मनसुखा मधुमंगल बोलियो मैया तो वह कढ़ी मोहि दे दीजो हम ले जाकर के कन्हैया को खवाए देंगे। मधुमंगल कढ़ी लेके गयो और एक वृक्ष के नीचे खड़ो है कि महाराज जैसे वाने कढ़ी नाक के पास लगाई अरे राम राम दिमाग उसको खट्टो है। सोच भी लगयो कि हे भगवान जा कढ़ी इतनी खट्टी वा कन्हैया खावे को कैसे। और हृदय पे हाथ रख के कहे कन्हैया चाहे तू आज प्रसन्न है जाए चाहे नाराज है जाए मैं तुम्हें खवाऊंगा ना। और आंख में आंसू भर करके बोले लाला हम इतने गरीब हैं कि हम तो ही कछु खवाए पिवाए ना सकते। और कह करके खूब रोवे और तब तक ग्वाल बाल बोले जान दे कन्हैया सबको वारो तो खाएगो जब अपनी बारी आई तो कछु लेके ना आयो तुम्हारो मधुमंगल। एक ग्वाला देखो भैया वाह देखियो खड़े है। अब कन्हैया बोले पकड़ो सारे को हमारे ब्रज की भाषा है सारे हमारे ब्रज में सारो सारे खूब प्रेम से बोलते थे कन्हैया। दौड़ पड़े मधुमंगल ने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए हम ये कढ़ी खाने नहीं देंगे और उसने तुरंत उठाया और झट पीवन शुरू कर दिया प्यारे। और जैसे पीना शुरू कर दिया प्यारे कुछ ऊंट पर लगा कुछ दाढ़ी पे गिरा कुछ पेट पे गिरा। भगवान आए मधुमंगल तुम्हें तो पतो ना आए पत्रम पुष्पम फलम तोयम मे भक्त्या प्रयच्छति। अरे कोई पत्र दे दे पुष्प दे दे फल दे दे मैं स्वीकार कर लेता हूँ तू तो कढ़ी लेकर के आया था। अब भगवान ने आओ देखा ना ताओ उसके ऊंट को चाट लिया दाढ़ी को चाट लिया पेट को चाट लिया। ब्रह्मा जी सर पे हाथ रख करके बोले राम राम ये भी भगवान है कोई ऐसा तो कोई भगवान नहीं होता। और तुरंत बत से ग्वाल सब को हरिलीना बत से ग्वाल सब को हरिलीना जाना श्याम चरित अज कीन्हा जाना श्याम चरित अज कीन्हा तुरत बक्ष बालक हरि कीन्हे तुरत बक्ष बालक हरि कीन्हे ज्यों की त्यों कछु जात न चीन्हे ज्यों की त्यों कछु जात न चीन्हे। देखो नकल करना भी उसी को अच्छा लगता जो अकल से नकल करता हो है ना। एक बार कोई लड़का बेचारा चिट लेकर के गया विद्यालय में लिखने के लिए एग्जाम का समय चल रहा था तो उसने गलती से उसके घर पर एक नौटंकी नाच की पर्ची रखी हुई थी तो उसने सोचा कि यही होगा उसने रखा और प्यारे जा करके पूरा उतार डाला। तो जो पीछे वाला बैठा था वह भी प्रश्नोत्तर लिख करके नीचे पूरा उतार डाला इतना बांस इतनी बल्ली इतनी रस्सी इतना मेज इतना तखत। अब बताओ अगर उसको पता होता तो ऐसा नहीं करता वो तो नकलची था नकल करके खूब लिख डाला पूरा है? पूरा जितना हो पाया उससे। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अच्छा भगवान ने ऐसा रूप बनाया ज्यों के त्यों भाई रूप बना लेते लेकिन गुण कहां से लाते हैं। रूप बनाना भी आसान है गुण तो नहीं लाया जा सकता लेकिन भगवान ने रूप भी बनाया और वैसा गुण भी उनके अंदर रखा जैसे वो थे। एक अंगूठे के
रेखा में भी परिवर्तन नहीं आया, इतनी बारीकी से भगवान ग्वाल बाल बने और बछड़े बने। जानते क्यों? जब भगवान बछड़ा चरा करके कभी कभी जाते तो गैया कहती है, रे कन्हैया तू तो कितनो प्यारो है, काव दिना हमारो बछड़ो बनतो तो हम तो ही अपनो दुग्ध पान कराते। सो भगवान मैया गऊ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बछड़े बन गए। ग्वालिनिया कहती है, सौदा तेरे भाग की कहीं ना जाए, तू कितनी भाग्यशालिनी है जो तेरे घर पे ऐसा प्यारा पुत्र लीला करता है, कभी मेरी गोदी में खेलता कितना अच्छा लगता। तो भगवान बोले, भैया चिंता ना करो, हम तुम्हारे भी छोरा बन जाएंगे। तो भगवान उन ग्वालिनियों और गईयों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ग्वाल बाल बन गए और बछड़े बन गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक वर्ष तक भगवान लीला करते रहे। एक दिन दाऊ भैया को संदेह हो गया। उन्होंने आकर के पूछा, क्यों दाऊ भैया, ये सब तुम्हें ही होना? दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया ये सब तुम्हें ही होना, क्योंकि आजकल बछड़े लड़ते नहीं हैं, गैया इतने प्रेम से रहती हैं। कारण क्या है? सब बताया है प्रेम के साथ। आओ भैया किसी से कहियो मत। एक वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी आकर के देखे तो प्यारे सन्न रह गए। राम 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 राम। हर बछड़ा अपने गैया के पास आनंद से रह रहा है, हर बालक अपनी मैया के पास आनंद से रह रहा है। और तुरंत आकर के 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, आकर के कहने लगे कि तद भूर भाग्यम मिह जन्म किमं पट प्या यद गोकुले पिकतांग रजो भिषेकम यज्जीवितं निखिलं भगवान मुकुंद अस्त्वत्यापि यदि पदरज श्रुतिमिज्ञमेव। प्रभु अगर कभी कोई बच्चा अपने माँ को लात मारे गर्भ में, हिले डुले, तो क्या माँ उससे बदला लेती है? संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने उदर में रखा है, तो हम भी तो आपके बच्चे ही हैं। अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। और प्रभु मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि अगर कभी मेरा जन्म हो तो वृंदावन में हो, पृथ्वी पर हो, और अगर कहीं मेरा जन्म गोकुल में हो जाए तो कन्हैया फिर कहना ही क्या है, क्योंकि जब गोकुल वासियों के चरण की धूलि मेरे शरीर पे पड़ेगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इस तरह से कहने लगी कि जिस चरण के रज को श्रुतियां आज तक कभी ढूंढ नहीं पाई, अगर वह चरण रज मुझे मिल जाएगा प्रभु तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की और 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी की चले गए। लेकिन भगवान इनके ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तदंतर भगवान ने वास्तविक बछड़ों और बालकों को ब्रज में भेजा और माया से निर्मित बछड़े और ग्वालों को ओझल कर दिया। इस तरह से भगवान एक वर्ष के बाद यह लीला अपनी मैया ते बताए, मैया हमने अघासुर मारियो। सभी को आश्चर्य हुआ, सभी के आनंद का पारावार नहीं रह गया। और प्यारे एक दिन भगवान ने एक गधा जिसका नाम था धेनुकासुर उसका जाकर के वध किया। ये धेनुकासुर गधा बन करके रहता था। और प्यारे एक दिन भगवान पहुंचे तो जाकर के इन्होंने पोगंडा अवस्था जो 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक होता है उस समय में भगवान गए और प्यारे जाकर के धेनुकासुर का वध किया। और इसके बाद भगवान वृंदावन की भूमि को पवित्र करते हुए एक दिन मैया से बोले, मैया मैं गैया चराऊ चाहूं। मैया ने कहा, लाला आज कार्तिक गोपाष्टमी है, आज मैं तुझे गैया चराने की आज्ञा प्रदान करती हूँ। कार्तिक गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गौचारण प्रारंभ कर दिया।
तत्पौगंडस्य ब्रजश्रितो ब्रजे बभूवस्तुतो पशुपाले सम्मतो गायश्चरयन्तो सखभिस्सम पदे वृंदावनं पूर्णिमतीव चक्रतः। वृंदावन की भूमि को भगवान पवित्र करते हुए गैया को चराते हुए परमपिता परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। बोले गौ माता की जय। अच्छा आप सब गाय पालन करते हैं कि नहीं करते? हमने देखा है शायद सामने वाले घर पे गाय है ना। श्रीमद वेद ने अथर्ववेद का दूसरा अध्याय दसवां श्लोक वहां पर गाय की सेवा का फल बताया गया है। गाय की सेवा करने से क्या होता है, गाय की क्या महत्वता है। गवां चरण धूलिं तु सर्व पाप प्रणाशनम् ललाटे मस्तके धार्यम गंगा स्नानम फलम लभेत। गाय की जो चरण की धूली है संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। उसका जो चरण का रज है अगर मनुष्य अपने ललाट पे लगावे मस्तक पे लगावे तो गंगा धार्यम फलम लभेत। जो गंगा स्नान का फल होता है गंगा स्नानम फलम लभे, गंगा स्नान का जो फल होता है वह फल प्राप्त होता है गाय के चरण की धूली को माथे पे लगाने से। एक बार सभी लोग बोलेंगे गौ माता की जय। आहा। और आज हमारे भगवान अघासुर को मार करके जब गैया चराते हुए भगवान आगे बढ़े हैं तो आज भगवान बहुत सोच रहे हैं। आंख में आंसू भरे आया हमारी गोविंद के और भगवान सोचने लगे कि अरे राम राम जब से मैं ब्रज में आया एक ना एक उत्पात ब्रज में होता ही जा रहा है। हमारे ब्रजवासी कितने परेशान होते हैं, कितनी पीड़ा देता हूं मैं अपने ब्रजवासियों को। आहा कभी अघासुर आता है, कभी बकासुर आता है, कभी तृणावर्त आता है, कभी शक्तासुर आता है। मेरे ब्रजवासी कितने परेशान होते हैं, मैं क्यों आया ब्रज में अवतार लेकर के। और आज भगवान ने सोचा कि एक मुसीबत और आकर के खड़ी हो गई है। जमुना जी में एक नाग रह रहा है जिस नाग का नाम है कालिये नाग। राजा परीक्षित जी ने पूछा कि कथम अंतर जले गाधे गृहिण्या गृहिणाद भगवान ही सवै बहु युगावासम यथासीद विप्रकथ्यताम। दशम स्कंद 16वां अध्याय दूसरा श्लोक। महाराज एक बात कृपा करके बताइए कि सांप तो ज्यादातर थलचर होता है, कभी कभी जल में रहता है, लेकिन कालियनाद इतने अगाध जल में इतने दिन तक कैसे रहा, जरा कृपा करके बताइए, इस रहस्य को समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कालिंद्या कालियस्यासीद हृदय कश्चिद विषाग्निना स्रपमाणपया यस्मिन् पतन्त्योपारिगा खगा। जमुना जी में एक विशाल हृदय है, उस हृदय का नाम है काली हृदय। जहां काली नाग रहता है वो जल इतना खौलता है प्यारे कि अगर आकाश मंडल से कोई पशु अगर आकाश मंडल से कोई पक्षी भी जाए तो नीचे गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान ने विचार किया कि आज हम अपने ग्वाल बालों के साथ चल करके गेंद खेलेंगे, कंदुक क्रीड़ा करेंगे, ऐसा विचार करके भगवान आए। दाऊ भैया बोले कन्हैया कछु खिचड़ी पकड़ी क्या मन में तुम्हारे? कन्हैया बोले दाऊ भैया पहले तो तुम बड़े भैया हो, छोटे भैया के बीच में बार बार टोका टोकी ना करो जाए तो ठीक रहे। हम बड़े छोटे बच्चों के बीच में बड़ों को बोलने की क्या जरूरत। कन्हैया ने जाकर के ग्वाल वाले तो कहे भैया आज हम सब गैया चरावन को जाएंगे,
और कहाँ जाएंगे? बोले जमुना जी के किनारे। भैया दाऊ भैया, बोले दाऊ भैया को नहाए ले चलनो। वो बड़े भैया बड़ों के साथ खेले, हम छोटे भैया छोटों के साथ खेलेंगे। जाकर के काले हृदय पे पहुंच गए। राधा रानी के भाई का नाम है श्रीदामा, उसके पास चांदी का गेंद है, कृष्ण के पास सोने का बल्ला। और प्यारे गेंद प्रारंभ हो गया और भगवान बार बार क्या कर रहे हैं, गेंद को उठाते, कभी इधर मारते, कभी उधर मारते, कभी उधर मारते, कभी उधर मारते। अचानक भगवान जोर से बल्ला चलाए और गेंद जाकर के काले हृदय में गिर गई। अब सुदामा कहे, भैया मुकु मेरो गेंद दे दीजो। कन्हैया बोले, भैया दूसरों ना ले सके तो रहन दे भैया, चाहिए तो वाइये चाहिए, ना तो हमको कछु ना ही चाहिए। अरे भैया दूसरों ले लीजो, दो चार ले लीजो, दस ले लीजो, ना ना रहन दे भैया, अगर चाहिए तो मुकु वाई गेंद चाहिए, ना तो ना चाहिए। भगवान चाहते ही थे कि ये जबरदस्ती करे तो हम कूद जाए जाकर के। सो भगवान जाकर के कदम पर बैठे और कदम पर बैठ करके भगवान ने छलांग लगाई। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जैसे भगवान ने छलांग लगाई, माता हृदय, माता यशोदा का हृदय धक से धड़क गया। अरे राम राम, क्या हो गया? अम्मैया जा जाकर के कहने लगी, मेरो कन्हैया देखियो का, मेरो कन्हैया देखियो का, मेरो कन्हैया देखियो का। दाऊ भैया बोले, मैया मैंने पहले ही कहा था सर पे मत चढ़ाओ, गया होगा काली दह पे, सांप के बिल में उंगली डाल देगा, कभी सांप के मुख में उंगली डाल देगा, कभी जाकर के सांप का पूंछ पकड़ के घुमाने लगेगा। जब मैं बार बार शिकायत करता था तब तुम डांट देती थी हमें, गया होगा काली दह पे, कूद गया होगा काली दह में। एक ग्वाला आया, मैया 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 मैया, कन्हैया काली दह में कूद गयो। आप तो जैसे ही सुना कन्हैया काली दह में कूद गयो, अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तय निर्ज मुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लाल सा। देखा, अरे राम राम, कृष्ण काली देह में कूद गया, पीछे पीछे दौड़े, गैया दौड़ी, बछड़े दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी और जाकर के कहने लगी, कन्हैया एक बार तो आ जा, कन्हैया एक बार तो यशोदा को आकर अपनी मात यशोदा को एक बार समझा जा, एक बार तो आ जा, कन्हैया एक बार तो मैया कहने लगी, मैं तो माँ सब सहलूंगी, मैं तो माँ सब सहलूंगी, चुप के मैं रो लूंगी, चुप के मैं रो लूंगी,
रोए रही है, आजा तुझको ढूंढ रही है, राधा को समझा जा एक बार तो आजा कन्हैया एक बार तो आजा कन्हैया पर अपनी राधा प्यारी को एक बार आजा लाला। अच्छा अच्छा काली देह में क्यों कूद गयो मुझे पतो है गो। मैंने मटकी फोड़ने के लिए तुझे उखल में बात दिया ना, तू मियां से नाराज हो गया होगा। एक बार आजा कृष्ण में वचन देते हूँ कि कभी तुझे मारूंगी नहीं, कभी तुझे डांटूंगी नहीं, कभी तुझे कितनी भी बड़ी गलती हो जाएगी ना कृष्ण, कभी तुझे कुछ नहीं कहूंगा। एक बार आ जा, एक बार आ जा। कृष्ण नहीं आते। दाऊ भैया, अरे आज क्यों नहीं आया तू कृष्ण के साथ? तुम होते ना तो कृष्ण मेरा काली देह में नहीं कूदता। दाऊ भैया ने कहा, मैया मुझे क्षमा कर दो, जो मैं ना जानो कि कन्हैया ऐसो कर सके, जमुना में कूद जावे को मैं पतो ना ही चलो मैया। इधर काली नाग की पत्नी बोली, प्रभु आप बाहर चले जाओ, मेरे पति बड़ा क्रोध ही है, जाग जाएगा तो महाराज मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ नुकसान पहुंचे। कन्हैया बोले, आने दो ना, आज हम इसीलिए आए हैं कि कम से कम ये जागे, अभी तक तो सो ही रहा था, ये जागे अभिमान के कारण सो रहा है, अब ये जाग जाए ऐसा मैं विचार करता हूं। ऐसा सोच करके कृष्ण जी खड़े हैं, जल में हिलोरा हुआ जो कालीनाग सो रहा था, अचानक महाराज धन को ऊपर किया, भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा फन का। भगवान आज बन गए नट, क्योंकि नाग को वश में कौन कर सकता है अजी, नाग को वश में तो नट ही कर सकता है ना, तो भगवान क्या बन गए, नट बन गए। कभी दाएं जाते, कभी बाएं जाते, कभी ऊपर जाते, कभी नीचे जाते, सतह के शीशम ममर्त मर्द उसके शीश पर चढ़ गए, और सतह के शीशम ममर्त मर्द और भगवान लगे नृत्य करने लगे, तबला बजा, मृदंग बजा, सुरा खूब सितार बज रहा है, भगवान नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर थिरकत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर थिरकत गिरधारी, पम 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 पटकत, पम 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 फनन पर, पम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति करत, बिम बिम बिनति करत, नाग वधु हारी, नाग वधु हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससक ससक सन कादिक नन 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 नारद मुनि, सन नन नन धर्व सकल नाचत दयकारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 सूरदास प्रभु की बाण किन 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 हो न जा, सूरदास किन हो न जा, चन 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 चरण धरत अभय भयो कारी, चन 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 धरत अभय भयो कारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत अपने पति की दुर्दशा को जब नाग पत्नियों ने देखा तो आंख में आंसू आ गए और हाथ जुड़ गए, कहने लगी,
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे घटविद इस सर्व से युक्त अंतर्यामी परमात्मा, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। प्रभु आपकी जय हो। हे वसुदेव जी के सुत आपको प्रणाम है। हे बलराम जी आपको बार बार प्रणाम है। हे भक्तों के प्रतिपालक आपको प्रणाम है। हे अनिरुद्ध जी आपको प्रणाम है। हे यादवों के पति आपको बार बार प्रणाम है। हमारा जो ये मूड पति है ना, यह आपकी माया को जान नहीं पाया कि आप कौन हैं। आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। और प्रभु हम आपके चरण रज को चाहती हैं। अच्छा एक बात बताइए, जल में अगर कोई खड़ा रहेगा तो उसके पाँव में धूल लगी रहेगी क्या? धूल लगेगा कब? जब वो बाहर आएगा तभी तो पाँव में धूल लगेगा। और ये कह रही चरण रज चाहता है, तो इसका मतलब पहले ये चरण रज के लिए बाहर जाए तब तो चरण रज मिले। भगवान की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। काली नाग सामने आया और आकर के कहा, प्रभु वयम खला सहोत्पत्या तामसाद्रघ्यमन्यव स्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानां यद सदग्रह। महाराज हम तो सांप हैं और हमारा स्वभाव ही तमोगुणी है। महाराज बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले जीव हम हैं। हम नागों के लिए अपना स्वभाव छोड़ना बड़ा ही कठिन है। हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। तो या सृष्टि मिदं विश्वं विश्वे घात गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्यो यो योनि बीज सयाकृति। महाराज आप ही ने तो क्रोध बनाया, आप ही ने सर्प बनाया, आप ही ने सर्प के अंदर क्रोध बनाया, आप ही ने सर्प को बदला लेने वाला जीव बनाया। तो जब सब कुछ आप ही ने बनाया तो हमारी क्या गलती हो गई कि हमने अपराध कर दिया? भगवान ने कहा, काली नाग इसीलिए मैं तुझे मार नहीं रहा हूं, खाली मोड़ रहा हूं। देखिए भगवान मारते कम है, मोड़ते ज्यादा है। और तू मुड़ गया ना, बस मेरा यही भाव था। काली नाग कहने लगा, महाराज आप ही पराक्रम ओज योनि शुक्र वासना स्वरूप ये सारा सब कुछ विचित्रताएं जो है ना, ये आपके ही स्वरूप है। आप ही सब कुछ, हमारी कोई गलती नहीं, हम कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा कि अब तूने मुझे स्वीकार कर लिया, तू रमणक द्वीप को चला जा। रमणक द्वीप जानते कहाँ है? ये द्वारिका और कच्छ भुज के बीच में है रमणक द्वीप। गया है कोई कि नहीं यहां से द्वारिका? द्वारिका में कच्छ भुज के बीच में ये द्वीप पड़ता है रमणक द्वीप। वैसे कुछ लोग बताते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक है फिजी द्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो फिजी द्वीप है, यहाँ के अधिकतर निवासी भारतीय मूल के ही हैं, बोली सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन विशेष रूप से रमणक द्वीप भागवत जी में कहाँ बताया गया है? बोले कच्छ और भुज के बीच में। अच्छा अब भगवान ने कहा कि जा, काली नाग ने कहा सरकार क्षमा करना, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो भाई हमको देख करके बहुत जलता है। काहे जलता है? काली नाग ने कहा, महाराज एक बार मेरी माता और गरुड़ की माता दोनों बैठी हुई थी। समुद्र मंथन से निकला हुआ एक घोड़ा था जिसका नाम था उच्चय श्रवा। वो उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा दक्षिण गया। तो विनीता ने कद्रु से कहा, देख रही हो घोड़ा कितना सुंदर है? तो विनीता से कद्रु ने कहा, घोड़ा तो सुंदर है लेकिन उसका जो पूंछ है ना, वो पूंछ काला है। विनीता ने कहा, दीदी क्षमा करना, हमने पूरा देखा है, घोड़ा बिल्कुल श्वेत है, कहीं कुछ काला उसके शरीर में है ही नहीं। अरे कहा, तुमने देखा लेकिन हमने भी तो देखा। कहा, अगर घोड़ा सफेद हुआ तो? बोले घर का सारा काम हम करेंगे, और अगर घोड़ा का पूंछ काला हुआ तो? विनीता बोली कि घर का सारा काम हम करेंगे। अच्छा
शर्त स्वीकार हो गया। कद्रु ने अपने सांपों से कहा जाकर के सांप घोड़े की पूंछ में ऐसा लपेटो कि पता न चलने पावे कि पूंछ काला है कि सफेद है। जब वो आवे तो ऊपर से जब जाए तो खाली इतने दिख जाए कि हाँ काला है, बस हमारा सर हम जीत जाएंगे। सांपों ने जाकर के पूंछ में लपेट लिया और जब घोड़ा दक्षिण से उत्तर की तरफ गया, बोले दीदी देखो अब तो बेचारी विनीता घर का सारा काम करने लगी। अब ये बेचारी राज रानी की तरह कद्रू बैठी रहती, विनीता सारा कार्य करते। गरुण जी आए, गरुण जी ने आकर के पूछा माता जी ये सब दशा कैसी हुई। उन्होंने कहा भैया ऐसे ऐसी बात थी और हम सर्प की माया को जान नहीं पाए और घोड़ा तो सफेद ही था लेकिन पूंछ काली कैसे ये मैं नहीं जान पाया। अच्छा गरुण जी ने सारे रहस्य को उद्घाटित किया तो माता जी समझ गई और गरुण जी इसका बदला लेने के लिए सभी सांपों को मार मार करके खाने लगे। तो सभी सांपों ने कहा महाराज एक तिथि निर्धारित कर लीजिए, उसी पर एक सांप आ जाएगा खा लिया करना। गरुण जी ने कहा नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। जब बहुत अनुनय भी नहीं हुआ तो गरुण जी मान गए, लेकिन जब काली नाग की बारी आई तो काले नाग बोला हम नहीं जाएंगे। अब गरुण जी ने जाकर के इसको पंजों से मार मार कर की तरह विदीर्ण कर दिया कि ये भाग करके आकर के काले हृदय में छिप गया। अच्छा यहाँ छिप गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक महात्मा तपस्या करते थे जिनका नाम था सौवरी। एक दिन गरुण जी आए छोटी छोटी मछलियों को खाने लगे और जिस दिन उन्होंने बड़े मत्स्य को खाया मछलियां रोती रोती गई बाबा के पास, बाबा बाबा देखो ना हमारे मत्स्य राज को खा गई। तो सौवरी जी ने श्राप दिया कि गरुण आज के बाद यहाँ आएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब से गरुण वहां नहीं जा सकता था। तो काली नाग यहाँ सुरक्षित था, कहा कि अब यहां से तुम जाओ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नागालयम रमणक कस्मत्या काली है कृतंकिंग वा सुपर्ण से नोपेक सपज्ज सम। जाओ जब काली नाग वहां से निकला तो भगवान ने कहा अब तुम्हारा गरुण कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहा क्यों? क्योंकि मेरा जो चरण रज है तुम्हारे माथे पर पड़ गया है ना, अब वो देखेगा तो विनम्र भाव से तुम्हें प्रणाम करेगा। क्यों? राम कीनया पन जब ही ते, राम कीनया पन जब ही ते, सकल भुवन बस भात बही ते, सकल भात बही ते, राम कीन आ पन जब ही राम की पन जब ही दे। जब से भगवान ने अपना बना लिया तब से सारा संसार अपना हो गया। इस भाव को जान करके काली नाग पहुंचा अपने रमणक दीप को। राजा परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये काली नाग था कौन, जरा कृपा करके बताइए। तो श्रीमद् भागवत जी में तो नहीं वर्णन है लेकिन गर्ग संहिता में वर्णन है कि ये काली नाग था कौन। बोले एक बार वेद शिरा और अश्वशिरा नाम के दो महात्मा ये तपस्या कर रहे थे विंध्याचल में और दोनों स्थान को लेकर के लड़ गए। तो वेद शिरा ने अश्वशिरा को श्राप दे दिया, स्वसनम सर्व इव तुम भो वृथा क्रोध करीसि ही अतः सर्वो भवम त्वाही भूयाते गरुणाभ्यदम। तुम सर्प की तरह पुकार रहे हो, जाकर के सर्प ही हो जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वेदशिरा ने अश्वशिरा को श्राप देकर के सर्प बना दिया। अश्वशिरा कौन से सर्प बन गए? बोले काली नाग। तो अश्वशिरा ने वेदशिरा को श्राप दे दिया, कायार्थी काग इवत्तम काको भव दुर्मते साक्षात काग भूसुंडो भूत योगिंद्रो नील पर्वत। उन्होंने श्राप दे दिया वेदशिरा को कि तुम कौवे की तरह काव काव कर रहे हो, जाकर के कौवा बन जाओ। तो वही बेचारे जाकर के गर्ग संहिता में लिखा है वृंदावन खंड के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि ये जाकर के क्या बन गए? अश्वशिरा बन गए प्यारे काली नाग। और वेदशिरा क्या बन गए? काग भुसुंडी नील पर्वत में रहने वाले। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा
एक दिन भगवान रात्रि का विश्राम जमुना जी के किनारे करते, और जैसे जमुना जी के किनारे भगवान विश्राम कर रहे थे, यमुना जल को भगवान ने शुद्ध किया था। दिन भर के सारे ग्वाल वाल भूखे प्यासे बिलख रहे थे, और प्यारे शाम के समय ठंडी हवा चली यमुना जी के किनारे, सब ग्वाल वाल वहीं सो गए। और तभी आधी रात्रि में प्यारे दामानल भवक उठा। अब जब दामानल भवक उठा तो जितने ग्वाल वाल थे सब चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे रामा मित विक्रम, एस घोर तमो बन्ही तावकान ग्रस्ते हिना। हे कन्हैया, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हम आपकी शरण में हैं, इस भयंकर दामानल से हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा सब अपने नेत्र को बंद कर जाओ, और जैसे सबने अपने नेत्र को बंद किया उसी समय भगवान ने आग को पी लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, आप जानते भगवान ने आग क्यों पिया? क्योंकि पहले के समय में जब युद्ध युद्ध होता था तो जो राजा होते थे अपनी पत्नी को ब्राह्मण के यहां पहुंचा देते थे। बोले सच्चिदानंद भगवान के। किसके यहां पहुंचा देते थे? ब्राह्मण के घर, कि ब्राह्मण के घर रहेगी हमारी पत्नी तो वहां सुरक्षित रहेगी, मृत्यु आदि को प्राप्त नहीं होगी, नहीं तो युद्ध में कम महाराज पत्नी मार दी जाए हमारी। तो उस समय राम जी ने, जब रावण का आक्रमण हुआ, रावण आया तो अग्निमीले पुरोहित, राम जी ने सीता को किसके यहां भेज दिया था? अग्निमीले पुरोहित किसके यहां? अग्नि के यहां भेज दिया था। तुम पावक मह करो निवासा, और जब लगे करो निशाचर नासा, सुनो प्रियावर्त रुचिर सुशीला, और अब मैं करबो कछक नर लीला। तो उस समय राम जी ने सीता जी को भेज दिया था कहां? पावक में, है ना। तो आज भगवान ने सोचा कि जिस पावक ने सीता जी को संरक्षण प्रदान किया था उस पावक को भी तो मेरी लीला का आनंद मिलना चाहिए। इस नाते भगवान ने उस पावक को अपने मुख में धारण कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, अगर वैसे भी देखा जाए तो ये अग्नि कहाँ से पैदा हुई है? बोले मुखाद अग्निर जायता, वेद भगवान कहते हैं कि अग्नि की उत्पत्ति तो भगवान के मुख से ही हुई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अतः भगवान ने अग्नि को मुख में ही धारण कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार भगवान ने रात्रि में अग्नि को पिया, और एक बार भगवान ने दिन में अग्नि का पान किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले कब? श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 19वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है कि एक दिन भगवान अजागावो महिष्यस्य निर्विशन्त्यो वनाद्वनम्, इसी काट में निर्विशो क्रंदकत्यो दवतार्षिताम्। एक दिन भगवान गैया चराते हुए। अच्छा, अब देखिए श्लोक में क्या क्या लिखा हुआ है। बोले गवा अजा महिषस्य। तो किसी ने पूछ लिया कि महाराज तू क्या भगवान गाय भैंस और बकरी भी चराते थे? भाई श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 19वें अध्याय का दूसरा श्लोक, उसमें लिखा हुआ है कि अजा, अजा माने क्या होता है जी? अजा माने क्या होता है? बकरी। अच्छा, अजा माने बकरी, गाय माने गाय, और महिष्यस्य महिषी माने क्या होता है? महिषी माने भैंस। अब बताओ तो क्या भगवान भैंस भी चराते थे? क्या भगवान बकरी भी चलाते थे? तो इसका उत्तर आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए संतों ने कहा है कि अजस्याद प्रसूता गौ सकृता महिष्यपि अन्या गावः इति प्रोक्ता इति शब्दार्थ वेदिनः। शब्द रत्न एक पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। एक पुस्तक है, क्या नाम है? शब्द रत्न। तो शब्द रत्न में लिखा हुआ है कि अजस्यादम प्रसूतागो सकृत कृता महिष्यपि और अन्या गावः इति प्रोक्ता इति शब्दार्थ वेदिनः। अर्थात अजा कहते हैं उसे जो बिना ब्याई गाय है, उसका नाम क्या है? बोले अजा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जो गाय ब्याई नहीं है ना,
उसका नाम क्या है? आजाद। अच्छा अब इसके बाद महिषी क्या है? बोली जो गाय एक बार बछड़ा दी है या बछिया दी है उसका नाम क्या है? महिषी। और गावह क्या है? बोले जो अन्य प्रकार की गायें हैं उसको क्या कहा जाता है? गावह। नहीं तो कई लोग इसका उत्तर ये लगा लें कि भगवान भैंस और बकरी दोनों चराते थे गाय के साथ साथ, बोले सच्चिदानंद भगवान की, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान भैंस नहीं चराते थे, बकरी नहीं चराते थे, एक बार ब्याई हुई गाय चरा रहे थे, बिन ब्याई गाय चरा रहे थे और अन्य प्रकार की गाय चरा रहे थे। उसी समय सरकंडों में आग लग गया और भगवान ने तभी ग्वाल बालों को देखा कि ग्वाल बाल घबरा रहे हैं, तो भगवान ने सबका नेत्र बंद करा करके पित्वा मुखेन तक्षाक्ष योगाधीशो व्योमोचयत्, भगवान ने नेत्र बंद करा करके तुरंत अग्नि को पान कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखिए एक दिन भगवान अपने बांसुरी को अपने अधर पे रख करके बजा रहे हैं, कब? बोले उस समय शरद ऋतु थी, आकाश एकदम साफ हो गया था, मेघों का कहीं निशान नहीं था, कृषक अपने खेत में प्रसन्न होकर के काम कर रहा था, पेड़ पौधे फल से लद गए थे, पुष्पों की सुगंध आने लग गई थी, भगवान गाय चराते हुए बंसी बजाने लगे। और जब भगवान बांसुरी बजाते हैं ना तो उस समय सभी गोपियां जाकर के भगवान को घेर करके खड़ी हो जाती हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा बताओ ये बांसुरी जो बज रहा है आर्गन में सुनने में अच्छा लग रहा है, तो जब सच में बांसुरी बजी होगी तो कितना अच्छा लगा होगा, बोलो हाँ या ना? पिछली वाली कथा में हमारे राहुल मिश्रा जी आए थे ना, तो बांसुरी बजा रहे थे, यहाँ अच्छा लग रहा था, है ना? बांसुरी का धुन बड़ा अच्छा लगता अगर वादक कुशल हो तो, है ना? अब भगवान जब बांसुरी बजाने लगे, अच्छा वैसे भी ये कोई साधारण बांसुरी नहीं थी जो भगवान श्री कृष्ण बजाते थे। अच्छा ये जो श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे ये बांसुरी कौन थी किसी को पता है? नहीं जानते तो हम बता दें बिहारी जी की कृपा से। वनस्थस्तु स्वयं रुद्र, हनुमान नाटक में लिखा हुआ है कि वनस्थस्तु स्वयं रुद्र, ये साक्षात भगवान शिव ही हैं जो बांसुरी बनकर के आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक संत के मुख से हमने सुना था, प्रयागराज के कुंभ में हमारी कथा चल रही थी, साठ पीठा रोड राजरूपुर में, तो उस समय में कथा कह रहा था, वहां एक महात्मा झूंसी में कथा कह रहे थे, तो मैं गया था सुनने, तो महात्मा बता रहे थे कि जब भगवान राम जी रावण को मार करके आए तो दो लोगों का ऋण राम जी के ऊपर रह गया था, किसका किसका? एक हनुमान जी का और एक केवट का, दो लोगों का ऋण था भगवान के ऊपर। अच्छा केवट का ऋण क्यों था? क्योंकि केवट ने कहा था कि मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्ला ही लेता है भैया, और धोबी कहीं धोबी से धुलवाई लेता है भैया, और नाई से ना नाई लेते धोबी से ना धोबी लेते, और देके उतराई नात जाती ना बिगारिए, और आप मेरे घाट आए मैंने प्रभु को पार किया, आऊं जब आपके घाट पार मोही उतारिए। लेकिन जब राम जी आए तो क्या सबसे मिलते हुए आए? चलत विमान को लाल हो, लेकिन राम जी कहते कि भैया हम केवट के ऋण से ऋण नहीं है, और दूसरा हनुमान के ऋण से, भरत भाई कपि से ऋण हम नाहीं, भरत भाई कपि से ऋण हम नाहीं, मैं बंदर से ऋण नहीं हूं। तो कहा तब
कहा कि एक काम करो, हनुमान का विवाह करा दो, और जो जो हनुमान जी ने किया वही वही आपो कर लो, तो हो सकता ऋण से पूर्ण हो जाओ। अब एक अयोध्या का व्यक्ति निकला विवाह ढूंढने, तो एक कन्या मिली रास्ते में। कन्या से पूछा गया विवाह करोगी? कन्या ने कहा महाराज मेरा पिता ढूंढ रहा लेकिन हो नहीं पाया, तो अगर आप कोई बढ़िया दुल्हा बता दीजिए तो विवाह कर लें। तो उन्होंने कहा कि दुल्हा तो इतना बढ़िया है वैसा पूरे तीनों लोगों ढूंढने पर नहीं मिलेगा। कहा कैसा है? कहा नौ विशेष पीएचडी है दुल्हा। कहा नौ विशेष पीएचडी? कहा हाँ। कहा कहाँ पढ़ा है? अरे कहा पढ़ा कहाँ है ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन हनुमान चालीसा में लिखा है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन जान की माता। तो नौ विशेष पीएचडी है। तो सुंदर कैसा है? अरे बोले सुंदर इतना है कि उतना सुंदर कोई नहीं होगा। कहाँ लिखा है? कहा हनुमान चालीसा में, कंचन बरन और विराज सुबेसा और कानन कुंडल और कुंचित केसा। इतना सुंदर है कि कंचन बरन सोने जैसा दिखता है। तो कन्या ने कहा नाम क्या है? भाई गुणों भी तो मिलवाना पड़ेगा, नाम क्या है? तो कहा महावीर बिनवउ हनुमाना और राम जासु जस आप बखाना। जैसे कन्या ने सुना कि नाम है हनुमान, दो कदम पीछे हटकर बोली सीता राम विवाह नहीं करना। कहा काहे नहीं करना? कहा ये वही है ना जो लंका गया था? हाँ हाँ हाँ, पहचाना, ठीक पहचाना, वही है वही है। अच्छा कहा अगर ये वही है जिसने लंकिनी ने जब देखा तो लंकिनी ने बेचारी ने क्या कहा था कि जान से नहीं अमरम सठ मोरा अमोर आहार जहां लग चोरा। मोर आहार जहां लग चोरा वही है क्या? तो कहा हाँ हाँ, ठीक पहचान रही हो। अरे कहा तब तो बिल्कुल विवाह नहीं करेंगे। कहा काहे? अरे कहा मुठी का एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी धनमनी। वो तो बेचारी थी लंकिनी जो पुनि संभारी उठी सो लंका और जोरी पानी कर विनय ससंका। वो तो बेचारी थी लंकिनी जो एक मुक्का खा करके पुनि संभारी। अब अगर कहीं हमको एक मुक्का मार दिया तो हम संभारी नहीं सीधे धरती में चले जाएंगे, विवाह नहीं करेंगे। वो आदमी आया, राम जी ने कहा क्यों विवाह हो गया तय? अरे कहा महाराज बाकी सब तो सब तय तमाम हो गया था, गुण कन्या सब बैठ गया था, लेकिन जैसे नाम बताए तैसे विवाह कैंसिल हो गया। तो कहा तब? तो कहा कि कोई दूसरा नियम अपनाओ, इससे काम नहीं चलेगा। भरत जी ने कहा प्रभु जैसे उन्होंने आपकी सेवा की, थके होंगे आप पांव दबा दीजिए। अरे कहा भैया क्षमा करना, हनुमान हमसे पांव दबवाएंगे क्या? अरे कहा इस कल्प में नहीं, अगले इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में दबा देना। त्रेता में इन्होंने सेवा किया है, द्वापर में पांव दबा देना। तो वृंदावन की गली में श्याम गई या थे चराते और हनुमत बने थे बंसी घनश्याम थे बजाते। हनुमान जी बांसुरी बन करके आए और हनुमान जी बांसुरी बन करके आए तो उसी हनुमान जी को ही बांसुरी बना करके भगवान श्री कृष्ण अपने अधर पे रख करके बजाते थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो बन सस्तु स्वयं रुद्र, भगवान श्री रुद्र बांसुरी बन करके आए हैं। अब भगवान ने अधर पर बांसुरी रखा। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासो कनक कपिशम वयजंती चमालाम।
रनधान बेणोर धर सुधया पूरयन गोप वृंद वृंदारणम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दसम स्कंद 21वां अध्याय 5वां श्लोक, वहां पर लिखा हुआ है कि भगवान जब बांसुरी बजाने लगे तो गोपियां कहने लगी, अरे सखी देखो देखो भगवान के कान में कनेर का पुष्प लटका हुआ है, नटका सा वेश धारण किया है, सुंदर सा भगवान का मुखमंडल प्रकाशमान हो रहा है, अलकों पर मोर का मुकुट लगाए हुए हैं, आहा घुटनों तक वैजंती माला लटक रही थी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा को कौन गा सकता है। गोपियां भगवान के उस माधुरी छवि का चिंतन कर रही हैं, प्यारे आहा अरी बहना हम क्या एक बार देवांगनाएं भी देख लेना, भगवान को बांसुरी बजाते तो है भी बिना मोहित हुए नहीं रह सकेंगे। अरी सखी क्या बात कहूं आपको, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो बछड़े दूध पीना छोड़ करके कान उटेर करके खड़े हो जाते हैं। ग्वालिनियों ने जब देखा भगवान ने बांसुरी बंद कर दिया तो आकर के कहने लगे, कन्हैया बांसुरी बजाओ ना, बड़ा अच्छा बांसुरी बजाते हो। कृष्ण बांसुरी बंद मत करो, बजाओ कृष्ण बजाओ, लेकिन कृष्ण ध्यान देना दो समय बांसुरी मत बजाना। कहा कब कब? कहा एक सुबह और एक शाम। कहा क्यों? कहा कि हमको तो सिलेंडर मिला नहीं है, चूल्हे पर भोजन बनाती हैं और चूल्हे पर भोजन बनाती हैं तो जब लकड़ी आपकी बांसुरी की धुन को सुनती है तो प्यारे वह नर्म हो जाती है और नर्म हो जाए तो फिर भोजन कैसे पकेगा। इस नाते कृष्ण दो समय भोजन मत बनाना, क्योंकि सास तो लड़ती रहती है 24 घंटा, है ना, समय से भोजन नहीं दिया, समय से भोजन नहीं दिया, तो सुबह शाम मत, सुबह शाम मत बजाना, बाकी दोपहरिया में खूब कृपा करके बांसुरी बजाना। अच्छा जानते हैं क्यों? क्योंकि सारा प्रपंच किस समय में होता है, जरा ईमानदारी से बताओ। गांव गाँव में जो प्रपंच होता है ये कब होता है? दोपहरिया में तो होता है, है? अब अक्सर आपने देखा हो जब कोई माता जी रास्ते से जाती हैं, किसी ने कहा दीदी आइए बैठिए, नहीं बहनी टाइम नहीं है, अभी तो 2 बजे कथा होता है, कथा सुनने जाना है। अब अगर एक बार बैठ गई तो पक्का 2 घंटा 3 घंटा उठना भी नहीं है। हम वही कभी कभी सोचते हैं कि जब टाइम नहीं तो 2-2.5 घंटा, अब अगर कहीं मान लो टाइम होता तब क्या होता। हालां बालू शासन में ऐसा नहीं है, हम बाहर की बात कर रहे हैं, उधर बिहार उहार जब हम जाते हैं तब की बात कर रहे हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की, किसी के पास टाइम ही नहीं है, बोले सच्चिदानंद भगवान की, है ना। लेकिन हमने देखा सारे जो प्रपंच होते हैं दोपहरिये में होते हैं। गोपांगनाएं कहने लगी, अरे गोपियों तुम धन्य हो, धन्या अश्व मूढ़ मतयोपि हरण्य ये ताया नंदनंदन मुपात विचित्र वेशम। अरे देखो देखो कि वो मूढ़ है, इन हिरणियों को देखो जो ज्ञानी होती हुई भी, आहा जो ज्ञानी होती हुई भी प्रेम भरी चितवन से परमात्मा को बार बार निहार रही हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मत्ता भीतकर्ण पुटे पिबंत्या सावास्तम पय कबला अस्तनार्गो वितस्मनी दशकला अस्प्रसंत्या। आहा जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो गायें दूध पिलाना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, ऋषि मुनि वेद पढ़ना भूल जाते हैं, साधु संत महात्माओं की समाधि टूट जाती है, देवांगनाएं आंसू बहाने लगती हैं, अरे राम राम हम तो झूठे स्वर्ग में आकर के फंसी भई हैं। सबसे ज्यादा तो इस समय भाग्य ब्रजवासियों का है जो नित्य भगवान की बांसुरी का धुन सुन रहे हैं और भगवान के बांग की छवि का दर्शन कर रही हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और परीक्षित उस बांसुरी का धुन ऐसा प्रभाव किया कि संपूर्ण व्रज की ग्वालिनिया भगवान की प्रेयसी बन गई, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब सभी गोपियां भगवान की प्रेयसी बन गई, अब तो मन में एक ही भाव है, कृष्ण कैसे हमें अपना ले, कृष्ण कैसे हमें अपना ले, कृष्ण कैसे हमें अपना ले। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्य भूज्यानाम कात्यायनी व्रत अर्चनम। महाराज हेमंत ऋतु में एक दिन सभी गोपियां माता कात्यायनी जी का पूजन करने के लिए जमुना जी के किनारे पहुंची। अच्छा इतने लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ कई ऋतु होता है, ईमानदारी से बताएं, हमारे यहाँ कई ऋतु होता है, छह, जिसमें से दो महीने का एक ऋतु होता है। तो हमारे यहाँ का ऋतु कब से शुरू होता है जानते कि नहीं जानते? वाह रे हमारे भैया, है ना, हम कथा सुनाते सुनाते परेशान हो गए। देखो दादा लोग तो सब जानते लेकिन हमारी माताएं बैठी बेचारी ये कहती महाराज खाली हम बैठ के सुनते, हमको इससे लेना देना नहीं, कई ऋतु है क्या है क्या नहीं। हम तो बस खाली इतने जानते हैं कि जब हंसी मजाक वाली बात आएगी तो हम हंस लेंगे बस, जब गीत वाली बात आएगी तो हम ताली बजा लेंगे बस, और बाकी चाहे ऋतु होए दुई होए चार होए आठ होए दस होए पंद्रह होए, कृष्ण ने कंस को मार दिया चाहे कंस ने कृष्ण को मार दिया, इससे हमारा लेना देना, हम खाली इतने जानेंगे कि बस खाली कोई हंसने वाली बात हुई तो हंस दिया, नहीं हंसने वाली बात हुई तो चुप मार करके सुनने का भाव देखो। अच्छा एक बात है, सबसे ज्यादा 70 और 30 का आंकड़ा होता है हर जगह, लेकिन बालू शासन में उल्टा है, यहाँ 70 और 30 का आंकड़ा होता है लेकिन 70% हमारे पिताजी लोग और 30% हमारी माताएं। बाकी अभी देखना परसों से जो 27 तारीख से हमारी कथा अमेठी में चलेगी उसमें आप जब वीडियो आएगा आप लोग देखेंगे कि वहां 70% माताएं और 30% भैया, बिहारी जी की कृपा से खूब आनंददायक चलता है वहां का कार्यक्रम माता हिंगलाज जी के दरबार में। तो विगत 6 वर्षों से हम जा रहे हैं माता रानी की सेवा करने, बड़ा विशाल मंदिर है, है? तो हमारे यहाँ 6 ऋतु है, पहला ऋतु है बसंत ऋतु, कब जय सीताराम, कब से कब तक, बोले चैत्र और वैशाख का जो महीना होता है इसको कौन सा ऋतु कहते हैं, है? कौन सा ऋतु कहते हैं, बसंत ऋतु। इसके बाद दूसरा ऋतु होता है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कब होता है, बोले ग्रीष्म ऋतु होता है ज्येष्ठ और अषाढ़, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु कब होता है, श्रावण और भादो, ये वर्षा ऋतु होता है। शरद ऋतु कब होता है, बोले अश्विन और कार्तिक, इसके बाद होता है हेमंत ऋतु, अगहन और जो पूष का महीना है इसका नाम है हेमंत ऋतु। और शिशिर ऋतु कब होता है, बोले माघ और फाल्गुन का जो महीना है ये है शिशिर ऋतु। तो हमारे यहाँ कई ऋतु है, 6, और एक ऋतु कई महीने का है, 2 महीने का, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हेमंत ऋतु में गोपियां गई और जाकर के भगवान को मना रही हैं, हे भगवान कृपा करिए भगवान हमको मिल जाएं। तो आज भगवान शिव स्तुति विनती की और इसके बाद जाकर के फिर माता कात्यायनी जी का ध्यान कर रही हैं कि नंद नंदन हमें पति के रूप में मिल जाएं। 10वां स्कंद 22वां अध्याय 4वां श्लोक वहां जाकर के कहने लगी कि कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमा। हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सभी की स्वामिनी, नंद नंदन को आप हमारा पति बना दो। अच्छा ये गोपियां पूजा अर्चन तो खूब प्रेम से करती हैं लेकिन एक अपराध कर रही हैं। अपराध क्या है, बोले एक अपराध है धार्मिक अपराध और एक अपराध है लौकिक अपराध, दो ही अपराध माना जाता है निर्वस्त्र होकर के स्नान करना। धार्मिक अपराध क्या है, बोले जल के देवता है वरुण, कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से वरुण देवता का अपराध होता है, अपमान होता है।
इस नाते जल में कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और दूसरा लौकिक अपराध, समाज के लोग देखेंगे तो कितना हे दृष्टि उनका होगा कि महाराज कितने निर्लज लोग हैं जो निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं। तो भगवान ने सोचा ये प्रेम तो हमसे ज्यादा करती हैं, लेकिन अपराध करने तो इनको अपराध से मुक्त करना है। तो आए और लटकाए पट कदम की डारे, लटकाए पट कदम की डारे, लटकाए पट कदम की डारी, लटकाए पट कदम की डारी, मांगे ही सब मिले गो पुमारी, मांगे ही सब मिले गो पुमारी। भगवान ने पट को ले जाकर के लटका दिया कहां, कदम की डाली पर। कभी आप वृंदावन जाना तो जब निधि वन से निकलेंगे ना, तो निधि वन से जमुना जी की तरफ निकलेंगे तो वहां पर बना हुआ है कदम का बड़ा सुंदर स्थान, कदम का वृक्ष वही है। और उसके नीचे चबूतरा बना हुआ है, बगल में काली नाग का मंदिर भी है। अगर आप जो लोग गए होंगे देखा होगा, मार साहब दर्शन तो हुआ होगा आपको, है ना। और हमारे डॉक्टर साहब भी गए होंगे वृंदावन, गए हैं कि नहीं गए, है ना। नहीं गए, नहीं गए तो अब आप लोग आइएगा तो आपका घर है वृंदावन में, है ना। और नहीं तो कभी हम यहाँ से विचार कर रहे हैं कि बस बस बुक कर दें, किराया हमारा, भाड़ा हमारा, खाना हमारा, पीना हमारा, रहना हमारा, खाना हमारा, उसके बाद जो लगे आपका, ठीक। और सबको ले चलेंगे, बाकी सारा खर्चा हम करेंगे, खाली आप लोगों के यहाँ से चलना है और चल करके वहां खाली भगवान का दर्शन करना। 5000 मंदिर है वृंदावन में बिहारी जी की कृपा से, है ना। एक बार अगर वृंदावन चले जाओ तो फिर वहीं के होकर के रह जाओगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, मन करता है जाने का कभी है? जिसका मन करता हो मेरे साथ बोलो, जाना है मन। अब अगर करता है मन तो एक बार मेरे साथ चलना और कहना, सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखी रे बांके बिहारी बहुत, लेकिन बचाई थी बहुत, लेकिन निहोरी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत, करके वृंदावन में हरि लाल की ए हरि, रह गई अखिया चमकती हाय परछी सी, चमकती हाय
रस भरी चितवन कहाँ आँखों मिलाते हो, कहो कैसे कहाँ जाऊँ, ये पीछे पड़ गई अखियाँ सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। तो वृंदावन में बिहारी से मन लग जाए, आनंद आ जाता है। गोपियां भगवान को पाने के लिए तमाम प्रयत्न करती हैं। आज भगवान ने इनके वस्त्र को चुरा लिया है। गोपियां मांग रही भगवान से, और भगवान से जानते क्या कहती हैं, दशम स्कंद के 22वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहती हैं कि देही वसांसि धर्मज्ञ नोचे दिरागे ब्रुवामहे श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम। हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र हमको दे दीजिए। देखिए इस श्लोक में चार भाव श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रकट किया है, विप्र भाव, क्षत्रिय भाव, वैश्य भाव और शूद्र भाव। अब देखिए इसमें चार जो अर्धाली है ना श्लोक के, पहला क्या है, बोले श्याम सुंदर ते दास्य, यहां शूद्र भाव है। हे कृष्ण, हमारे वस्त्र को आप हमें दे दो, हम तुम्हारी दासी हैं। जब भगवान ने नहीं दिया तो क्या कहती हैं, देही वसांसि धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले हमारा वस्त्र हमको दे दीजिए। भगवान ने नहीं दिया तो फिर कहती हैं करवाम तबोदितम, जो आप कह दोगे मान लेंगी, लेकिन हमारा वस्त्र हमें दे दो। भगवान ने कहा कि न देंगे तो बोले नो चेत रागे प्रवाह है, जाकर के राजा से शिकायत कर दूंगी अगर नहीं दिए तो। भगवान ने समझाया, देखो गोपियों स्मृति कहती है
कि इतना कार्य बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, कौन कौन सा कार्य बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। बोले स्नान दान तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाण पाप कृत भवे। स्नान दान होम शयन भोजन गमन इतना कार्य निर्वस्त्र होकर के नहीं करना चाहिए। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, लेकिन अब आप यहां एक भाव और समझिए, वस्त्र क्या है? बोले आवरण। और कृष्ण क्या है? बोले कृष्ण है ईश्वर। और गोपी क्या है? बोले जीव। जब गोपी रूपी जीव का बाह्य आवरण भगवान हटा देते हैं तो गोपी जीव और परमात्मा दोनों क्या हो जाते हैं? बोले एक ही भूत हो जाते हैं, एक ही कार हो जाते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, घूंघट के पट खोल तो ही पिय मिलेंगे। तो पिय कौन है? परमात्मा। घूंघट क्या है? ये जो माया का आवरण है यही घूंघट है। जब कोई सचगुरु मिल जाता है, कोई परमात्मा मिल जाता है, तो आपके माया रूपी आवरण को हटा करके जीव और ईश्वर दोनों को क्या कर देता है? एक कर देता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, है ना। अच्छा, जिसका जिसका भगवान ने रासलीला किया ना, रासलीला का एक ये जो चिरहरण लीला है, इसका एक नाम है आवरण भंग लीला। इसका नाम क्या है? आवरण भंग लीला। मानो भगवान ने जिसका जिसका वस्त्र चुराया, इनको ले जाकर के रासलीला का टिकट दे दिया। बोले कल आना रास में। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सबको रास में आने का निमंत्रण दे दिया है। एक बात और आपको बता दूं, परीक्षित जी ने कहा महाराज अब जब भगवान ऐसा कार्य करेंगे तो दुनिया वाले क्या करेंगे? विचार करना, भगवान की उम्र थी 6 वर्ष की। अच्छा, 6 वर्ष के बच्चे को पता होता है कि स्त्री कौन पुरुष कौन? स्त्री पुरुष भेद विकार रहित तो भगवान स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर उठे हुए हैं। ये ईश्वर है और इनके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है। वो भी उम्र कितनी है? मात्र 6 वर्ष की। तो मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। भगवान ने इनका वस्त्र हरण किया तो किसी ने पूछा कि भगवान इतना चीर चुरा कर किए क्या? बोले भगवान की हुंडी चलती है। भगवान का आदित करते हैं, हुंडी चलाते हैं। अच्छा, हुंडी कैसे मिलता था पता है? आपका कोई भाई बेटा बंबई रहता था तो वो पैसा वहां से लगाता था और हुंडी वाला क्या करता था? बोलो, मिला कि नहीं हुंडी वाला पैसा? बोलो, हुंडी वाला क्या करता था? वो आकर के यहाँ आपका पैसा दे जाता था। तो ऐसे भगवान ने गोपियों का चुराया और द्रौपदी का चीर बढ़ाया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान अपने घर से कपड़े का दुकान थोड़ी है भगवान के पास। अजी, भगवान के पास कपड़े का दुकान तो है नहीं कि ला करके जब द्रौपदी ने कहा भैया बचाओ, तो भगवान काली पीली हरी नीली बैगनी सतरंगी सारी साड़ियों का आज गट्ठर बनाए हैं। द्रौपदी की रक्षा कत मानो गोविंद, द्वारिका से चल के बजाज बन के आए हैं। ऐसा लग रहा जैसे कोई बजाज आया हो कपड़ा का अपना सिंपल दिखाने। ये धान वाला, ये लाल, ये पीला, ये हरा, ये काला, ये नीला, ये सतरंगी, ये बैंगनी, तो मालूम पड़ रहा कोई बजाज आया हो। तो ऐसे भगवान बजाज कैसे बने? बोले सबका चुराया तो द्रौपदी का चीर बढ़ाया। बोले सच्चिदानंद भगवान की, ये भगवान करते हैं, एक जगह से लेते हैं दूसरी जगह दे देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान ने गोपियों को रासलीला में आने का निमंत्रण दे दिया और एक दिन भगवान गैया चराने आगे बढ़े तो देख रहे हैं क्या, राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवरहण ईसावे बाधते छुन्नस्त शांति कर तो मरहता। एक दिन कृष्ण और बलराम गैया चराते जंगल में कुछ दूर चले गए तो ग्वाल बालों को भूख लग गई। ध्यान देना, 20 मिनट की कथा और शेष है। ग्वाल बालों को भूख लग गई और जब ग्वाल बालों को भूख लग गई, ग्वाल बाल बोले कन्हैया भूख लगी है, कछु खावन को मिल जातो तो अच्छो हो। तो भगवान बोले यहीं बगल में चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ करने जाओ, खूब ढेर सारा धन मिल जाएगा। अभी बेचारे गए, ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं,
और जाप चल रहा है। अच्छा, जाप का एक नियम है कि जब तक जाप चले तब तक बोलना नहीं चाहिए, और अगर एक बार आपने बोल दिया तो जाप पुनः प्रारंभ करिए। भाई मन का जब तक पूरा ना हो जाए तब तक बीच में बोलना नहीं चाहिए। अभी बेचारे जाप कर रहे हैं और तब तक जाकर के इन लोगों ने कहा महाराज प्रणाम, यही बगल में कृष्ण बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, थोड़ी भोजन की व्यवस्था हो जाती तो आनंद आ जाता। अब इन लोगों ने डांट करके खदेड़ा, जाओ यहाँ से, बड़े आए कृष्ण भगवान हैं, वो जंगली वाला गैया चराने वाला कब से भगवान हो गया। और उसके बाद फिर जाप करना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान के यहाँ पहुंचे, भगवान ने कहा ग्वाल वालों क्यों भोजन ले आए, जान दे भैया भोजन पानी तो बड़ी दूर की बात, राम राम नाय करी हम सवन से। अरे इतनो अभिमानी है गए यहाँ सब ब्राह्मण देवता। भगवान बोले काहे ब्राह्मण के चक्कर में पड़े, ब्राह्मण पत्नियों के पास गए होते भोजन भी मिलता सम्मान भी मिलता। अभी बेचारे सब आए ब्राह्मण पत्नियों के पास, माता जी कन्हैया को भूख लगी है, थोड़ी भोजन की व्यवस्था हो जाती तो आनंद आ जाता। माताएं बोले भी थोड़ी देर पहले आप ही आए थे क्या? बोले हाँ हाँ माता जी हम ही आए थे। अब माता जी ने खाने का पीने का सीधे गटक जाने का सब प्रकार का व्यंजन बनाया। बोले ले जाओ मैया, अगर आप चलती अपने हाथ से पवाती तो कितना अच्छा होता। अब माताएं खूब ढेर सारा भोजन का थाल लेकर के निकल पड़ी और पंडित जी बेचारे जब कर तब तक पत्नियों ने ऐसे कर लिया, बोले हूं करते रहो। बोले जब आएंगे तब देखा जाएगा, चाहे मार डालना चाहे काट डालना, आज मौका मिला है तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी बेचारे मन का छोड़ नहीं सकते थे, खाली इतने बोल सुन। अब उन्होंने कहा ये हूं करें बस, ऐसे कर लो निकल लो। अब बेचारी पल्लू करके निकल गए। जैसे भगवान के पास पहुंचे दसम स्कंध के 23 अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं स्वागतम मो महाभागा आस्ताम करवाम किं यन्नो ददृच्छया प्राप्ता उपन्नमिदं हिवः। आओ आओ देवियों आपका स्वागत है, कैसे आई हो? गोविंद हम आपके दर्शन को आई हैं। अच्छा अच्छा बैठ जाइए, ये प्रसाद पा लीजिए कृष्ण। और जैसे भगवान को प्रसाद गोपियां पवाने लगी, भगवान ने कहा ऐसे तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, पहले अपनी गोदी में बैठाओ फिर प्रसाद पाएंगे, परीक्षित दर्शन कर लो। ब्राह्मणों का जप करते करते बेचारे का बाल पक गया, झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ा हो गया, लेकिन आज तक गोविंद नहीं मिला। और इन माताओं ने कोई पूजा पाठ भजन नहीं किया और यज्ञ का भोगता स्वयं नारायण आज उनकी गोदी में बैठ करके भगवान भोजन कर रहे हैं। प्यारे किसकी गोदी में बैठ करके? बोली चतुर्वेदी ब्राह्मणों की पत्नियों की गोदी में। जब भोजन करा चुकी तो लगी रोने। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? महाराज अब यहां से जाएंगे ना तो हमारे जो पति हैं बड़ा क्रोध करेंगे। भगवान ने कहा जाओ अब कोई क्रोध नहीं करेगा। क्यों? जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर सब कोई। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होगी उस पर पूरी दुनिया की कृपा करती है। जाओ अब आपका कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और प्यारे जैसे गोपियां गईं, आहा भगवान कहने लगे, चतुर्वेदी ब्राह्मण की पत्नियों से कहने लगे कि पतयो नाभ्य सुरे अपित्र भ्राता सुतादय लोकस्य यो मयो पेता देव अप्यनुमन्वते। गोपियों ब्राह्मण पत्नियों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अब तुम भक्ति में होकर के जा रही हो ना तो जो तुम्हारे पति हैं पिता हैं भाई हैं पुत्र हैं अन्य संबंधी हैं जो तुम पर दोषारोपण कर रहे थे अब दोषारोपण नहीं करेंगे, बल्कि आज के बाद सब तुम्हारा समर्थन ही करेंगे। जाओ। और जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां निकले
आकर के जैसे पहुंची आप, ब्राह्मण बेचारे हाथ जोड़कर पुष्प लेकर खड़े हैं। ब्राह्मण जो बेचारे हूं हूं कर रहे थे ना, ये पुष्प लेकर के खड़े हैं, और जैसे पत्नी आई तो पता है क्या करते हैं, पुष्प की वर्षा करने लगे। और जैसे चरण पकड़ने लगे, ब्राह्मण पत्नियों ने कहा क्या करते हैं आप हमारे पति हैं ना, ये कर्तव्य आपका नहीं है कि आप हमारे पांव पकड़िए। अच्छा आज की पत्नी होती तो कहती गुस्साई लहे, लेकिन फलानी जब तक गोड़े पर ना गिराई नहीं तब तक मन का चैन ना मिला। कौन पांव पर गिर ओकर पापा आए भराई पर घोड़े पर, तब वो हम सोचे कि चलो पति है तो क्षमा कर दो, नहीं तो फलानी। लेकिन माताओं का भाव देखिए, जैसे पति झुकने लगे क्या करते हैं आप। ब्राह्मणों ने कहा कि धिग जन्म नास्त्री विद्या धिगे व्रतम बहुज्ञता धिग कुर्यम धिग क्रिया अध्यक्षम विमुखाये तो धोक्षजे। जो भगवान से विमुख हैं उन व्यक्ति के तीन जन्मों को धिक्कार है, विद्या को धिक्कार है, धन को धिक्कार है, बहुज्ञता को धिक्कार है, क्रिया को धिक्कार है, वैभव को धिक्कार है। जो भगवान से विमुख होकर के चल रहे हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की श्रुति पुराण सदग्रंथ कहां ही रघुपति भगत बिना सुख नहीं। जो भगवान के चरणों से दूर हैं वो तो बेचारे उनका पूरा जीवन धिक्कार है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी ममता मन में अतिशय लिपटी है, ज्ञान बड़ो धन धन बड़ो कर तूती बड़ी जग में प्रगति है, कजिवा जाओ द्वारे मनुष्य हजार तो इंद्र समान को कौन घटी है, सो सब कृष्ण के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक घटी है, सो सब कृष्ण की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की। अगर भगवान की भक्ति नहीं है ना तो जैसे कोई सुंदर नारी का नाक कटा हो वैसे ही भगवान की भक्ति के बिना जीव है नक कटा। अब आप पूछेंगे कि ये ब्राह्मण पत्नियां थी कौन, बोलिए ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी ये सप्तऋषियों की पत्नियां थी। एक बार इन अग्निदेव इनकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए, तब क्रुद्ध ऋषियों ने श्राप दे दिया अग्निदेव जाओ सर्वभक्षी हो जाओ, और अपनी पत्नियों को मनुष्य योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। और बाद में जब इन्होंने प्रार्थना किया तो बोले द्वापर में भगवान को अन्न दोगी तो भगवान नारायण तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण 18वां अध्याय 123वां श्लोक वहां पर लिखा है कि ता अगस्त महिषाय बप्रू विप्रयोषिता तत्वानं हरये भक्त्या प्रजामुहोर्म हरिमंदिरम। आप भगवान को अन्न पवाओगी ना तो आपका दोष दूर हो जाएगा। आज भगवान कल्याण करते हैं ब्राह्मणों का, ब्राह्मण पत्नियों का। अच्छा अब इस कथा से एक बात स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान बहुत हो लेकिन अगर विनम्रता ना हो तो भगवान को पाया नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं मेरी मंजिल का पता कभी पाया नहीं जाता, जहां हर वक्त रहता हूं वहां जाया नहीं जाता। ध्यान देना, जहां हर वक्त रहता हूं वहां जाया नहीं जाता, और कहने के लिए हजारों गम महसूस होते हैं, मैं वो नगमा हूं जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। भगवान कहते हैं मैं जहां हूं वहां कोई जा नहीं सकता, गकार रहित है, हमारे पीछे दुनिया चलती है, हमारे आगे कोई नहीं जा सकता। लेकिन आज भगवान जब गैया चरा करके लौटते हैं ना तो देखा कि
भगवान अपी तत्रेव बलदेवेन संयुता अपस्य निवसन गोप इंद्रियाज्ञ कृतोद्यमान। भगवान देख रहे हैं कि आज भगवान के घर पूड़ी पकौड़ी मालपुआ तस्मयी सब बन रहा है। आकर के बोले मैया ये क्या हो रहा है। मैया बोली लाला हट जाइयो बाबा बाबा। अब कन्हैया बोले मैया ये बाबा बाबा क्या होता है। अच्छा आपने देखा होगा जब दीपावली के दिन फगुआ के दिन कुछ माताएं बनाती हैं और बच्चा अगर जाकर के किचन में पहुंच जाए तो माताएं क्या कहती हैं, चलो 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 बाबा 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 बाबा। तो भगवान बोले मैया ये बाबा बाबा का है। बोले लाला मोते मत पूछियो, जाए करके अपने बाबा से पूछ लीजो ये बाबा बाबा का हो। कन्हैया गए बाबा, ओ बाबा ये बाबा बाबा कौन सी बला है। बाबा बोले लाला मुझे पतो ना है, चलो तू कहू का चाहे। बाबा मैया पूरी पकवान बना रही, मैं जाकर के पहुंच गया, सुमैया कह रही बाबा बाबा है रो, ये बाबा बाबा का है। और बाबा मैंने सुना है कि आज हमारे घर यज्ञ होगा। नंद बाबा बोले हाँ। बोले कथिता में भी तक कोयम सभ्रमो उपागता किं फलम कस्य चोद्देश केन वा साधते मखम। ये यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ कब किया जाता है, यज्ञ का क्या विधान है। जब अपने घर पे कोई कमी नहीं तो हम सब यज्ञ क्यों कर रहे हैं। अच्छा इसका मतलब क्या भगवान नहीं जानते हैं। भगवान नहीं जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन भगवान पूछते क्यों हैं। एक संकेत है कि आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब माता पिता के सामने बैठिए तो बालक बन जाइए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। फिर देखना माता पिता अपना आशीर्वाद आपके ऊपर लुटाते रहेंगे। और अगर कहीं आपने बड़प्पन में आकर के अपने माता पिता गुरु का अपमान कर दिया तो प्यारी जिंदगी आपकी बेकार हो जाया करेगी। भगवान ने पिता को सम्मान दिया तो पिताजी कहने लगे कि छाड़ ही आज करही जन दो जा, 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 आज करही सुरपति कर पूजा, आज करही सुरपति कर पूजा। हम सब सुरपति की पूजा करेंगे। सुरपति कौन है, सुरपति कौन, इंद्र। तो हम सब इंद्र की पूजा करेंगे। नंद बाबा कहने लगे कि भैया एक बात बता दूं, हम लोगों के लिए सबसे बड़े देवता कौन है। बोले इंद्र। प्रीणनम जीवनम पयाह, इंद्र जब वर्षा करते हैं, बारिश होती है, नदी ताल तलिया भर जाते हैं, तो गैया जाकर के घास चरती है, जल पीती है, दुग्ध देती है, चारों तरफ हरियाली होती है। अच्छा बाबा तो इंद्र अगर जल बरसावेगो तो पूजा करनो पड़ेगो। नंद बाबा बोले तो सच सच बताइयो कहनो का चाहे। बोले बाबा हम तो ये जानते हैं कि संसार के जितने प्राणी हैं सब कर्म का अनुवर्तन करते हैं। संसार के जितने प्राणी हैं सब कर्म का अनुवर्तन करते हैं। स्वभाव से जैसा पड़ा है उसको पलटने का सामर्थ्य इंद्र में कहां है। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 24वें अध्याय के 13वें इस श्लोक में लिखा हुआ है कि कर्मणा जायते जंतु, लिखा है ना, और कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेणेवाभिपद्यते। जीव से ही, जीव कहां जन्म लेता है, बोले कर्म से। जीव सुख पाता है कर्म से, जीव दुख पाता है कर्म से, जीव लाभ पाता है कर्म से, जीव हानि पाता है कर्म से। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा। तो सारा कार्य तो कर्म पर आधारित है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय संख्या 286 वहां पर लिखा हुआ है
कि सुकृते जायते जंतु सुकृते रेव वर्धते और सुखे दुखे तथा मृत्यु सुकृते रेव विन्दति। प्राणी अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख पाता है। अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है कि सुखस्य दुखस्य ना को विदाता, सुखस्य दुखस्य ना को विदाता, परो ददाति कुविद्धिरेषा अहम् करोमि इति वृथाभिमानः स्वकर्णम् सूत्र ग्रथितो हि लोके। हम सब झूठे अभिमान करते हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। सब कुछ कर्म के आधार पर हो रहा है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहा कि जब सब कुछ कर्म के आधार पर हो रहा है तो बाबा इंद्र को श्रेय लेने की कोई जरूरत नहीं। तेहिते छाणी करहूं जन दूजा और गोवर्धन की ठानहूं पूजा। तो आज का यही प्रसंग महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग पूरा सुन करके जाएंगे। तो जो कुछ आप मांगेंगे वह भगवान की कृपा से आपको प्राप्त होगा। अब ये बात नंद बाबा ने पंचायत में रखी तो सब तैयार हो गए गोवर्धन पूजा के लिए। और जब गोवर्धन पूजा के लिए सब तैयार हुए तो गोपाल चंपू एक पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि स्वर्ण निर्मित विषाण स्वरूपा रुप्य संप्रित खुरा घृतहारा किंकिड़ी प्रकर संस्कृति युक्ता नैचिकी निचितया रुचिचा चमानः। गायों के सिंह में सोना मढ़ दिया गया, पांव में चांदी मढ़ दिया गया, गले में मड़ियों के हार लटक रहे हैं, सबको किंकड़ी पहना दी गई, झन 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 का शब्द घूम रहा है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, गोवर्धन जी को बलि निवेदित किया गया, गायों का पूजन करके हरा घास दिया गया। इसके बाद भगवान ने ग्वाल बालों को विश्वास दिलाने के लिए पता है क्या किया, बोले कृष्णस्त्व अन्यतमम रूपम गोपम विश्रम्भणम गत सैलोषमेति ब्रुवन भूरी बली मादात बृहद बपू। जितने ब्रजवासी आए हैं भगवान उतना रूप बना करके प्रकट हो गए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और हाथ निकाला गोवर्धन जी से और सबको जितना लोग लेकर के आए थे सब भगवान को अर्पण करने लगे। अच्छा भगवान क्या कर रहे, इधर अर्पण हो रहा और इधर स्वाहा। एक वाला बोले वारे भैया इतनो भूखड़ है तुम्हारो देवता की प्रसादों नहीं छोड़ेगा। अच्छा बताओ आप लोग हनुमानगढ़ ही जाते हैं 5 किलो लड्डू चढ़ा दो तो 4-5 पुजारी रख लेते हैं बाकी सब दे देते हैं। आप लोग जन्माष्टमी अब देखो यही 2-4 डिब्बा मिठाई उठाई आया है, आपने देखा होगा कि 2-4 प्रयोग में ले लिया जाएगा बाकी सब दे दिया जाएगा। अब मान लो कोई रबड़ी उबड़ी हो रसमलाई उसमलाई हो तो भले चोरी हो जाए बाकी और तो नहीं है ना। बोले सच्चिदानंद भगवान की वैसे हम तो भैया जानबे करते मिठाई उठाई कम खाते हैं लेकिन रबड़ी बड़ी हो तो फिर किसी से कहना नहीं कि हम खाते हैं, नहीं तो बाद में किसी का चोरी हो जाएगा तो हमें को लगेगा है ना। तो हालांकि किसी से कहना नहीं, भाई कहे सुने तो अलग बात है, आप कहे हमारी बदनामी करो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जो है। तो आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब भगवान जब सबके हाथ का पाने लगे गोल ग्वाल बाल कहने जानते भैया हम अगर जानते कि इतनो भुखड़ देवता तो हम भोग ही नहीं लगाते और अगर लगाते तो थोड़ो रख देते बाकी सब पाए जाते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है पूजा करो अभी व्यवस्था बन जाएगी। अब ग्वाल बाल परिक्रमा करने लगे और भगवान का पूजन करने लगे। ललिता ने राधा से कहा देख रही हो पुजारी जी को ललिता श्या केरी चतुराई और आप पूजा वही आप ही खाई। ऐसा पुजारी हमने नहीं देखा जो पूजा भी करवा रहा है और भोग भी स्वयं लगा रहा है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आहा
अब गोपियां भगवान को देख करके बार बार प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि धन्य है परमात्मा, आपने इंद्र को अभय दिया, आपने पूतना को मारा, आपने तृणावर्त को मारा, आपने जुड़वा वृक्षों का उद्धार किया, बकासुर वत्सासुर को मारा, व्योमासुर अघासुर को मारा, कालिये का दमन किया, धेनुकासुर प्रलम्बासुर को मारा, दामानल का आपने पान किया, आपने हमेशा हम लोगों को बार बार बचाया है, आपको बार बार प्रणाम करते हैं हम सब। अच्छा अब ये बेचारा पूजन हो रहा था, पाठ हो रहा था, नारद जी को पता नहीं क्या सूझा, पहुंच गए सीधे इंद्र के यहाँ, जाकर के बोले क्यों आजकल आपका हालचाल सब ठीक ठाक है ना? बोले हाँ हालचाल तो ठीक है, कल पूजन का तैयारी हो रहा है। बोले कल पूजन की तैयारी नहीं हो रही है, हो चुका पूजन। कौन कराया? अरे वो नंद को छोरा है, पूरे गांव में भगवान बनो डोले, अपने आप को भगवान माने, याने पूजा करवाए दे एक पर्वत को। अब इंद्र को आया क्रोध, तो दशम स्कंद के 25वें अध्याय के 9वें श्लोक में लगा बारिश करने। इंद्र किसको बुलाया? गणम सांबर्तकम नाम मेघानाम चांद्रकारिणम इंद्र प्रचोदयात क्रुद्ध वागचा मही सुनम। गण सांप्रत को बुला करके कहा ऐसा वर्षो, ऐसा वर्षो संपूर्ण ब्रज बह जाए। अब ब्रज बहने की जब बात आई तो आ गए प्यारे सभी मेघ इकट्ठे हो गए, मेघमालाओं से पूरा आकाश भर गया। विद्योतमाना विद्युत भी अस्तन्नतः अस्तयन्न भी तीव्रे मरो दुर्नुन्नाम बवर्षु जल सरकराः। बिजली चमक ले लगी, भयंकर आवाज के साथ बादल की गर्जना होने लगी, तीव्र आधी चलने लगा और वर्षा की बूंद गिरने लगी धरती पर। बारिश कैसी हो रही पता है? बोले अस्थुणा अस्थूला वर्षधारा मूश्चतुस्य भेष्व भीषण सह। खंभे की तरह मोटी मोटी जल की धारा बरसने लगी, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। अब बाल बाल हाथ ऊपर करके कहने लगे गोपा गोप्याश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययोः। कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुबिदाव भक्तवत्सलः। हे श्याम सुंदर, संपूर्ण ब्रज के मालिक हो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि आप सब धीरज धारण करिए। तुरंत भगवान आए और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण क्षत्राकमिव बालकाः। जैसे कोई छोटा सा बच्चा हाथ में लकड़ी के छत्र को उठा लेता है, वैसे ही भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने कहा संपूर्ण ब्रजवासी मेरे गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। देखते देखते 84 कोस ब्रज मंडल के सब पर्वत के नीचे आ गए। आहा, 7 दिन तक लगातार बारिश हुआ, 7 कोस का पर्वत, 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था में कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए रहे। अब मैया यशोदा बार बार अपने लाला की प्रशंसा करती है, देखो देखो मेरे छोरा ने गोवर्धन उठाए, मेरे छोरा ने, मेरे छोरा ने। तब तक मध मंगल बोला अच्छा मैया अपने बल पे ना उठायो, कछु माखन के बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा रानी ने कृपा करी गोवर्धन लियो उठा।
एक सखी ने कहा चोरी चोरी दधि माखन खायो और हे सखी श्याम काम अब आयो। इतने दिन से चुरा चुरा करके माखन खा रहा था ना, तो हम इसको डांट रही थी, बोल रही थी, लेकिन अगर इतना पहलवान ना होता तो पर्वत कैसे उठा लेता। अच्छा उसी समय मैया यशोदा ने कहा अरे ओ ग्वालों, मैया यशोदा कहने लगी अपनी ताकत सब अजमाओ, मेरे कान्हा की मदद करो, सब लाठी ले कर लग जाओ। अरे भैया मेरा लाला पर्वत उठाया है, कोई मदद तो करो। अब ब्रजवासी माथे पर पगड़ी बांध करके ले ले लाठी आकर के खड़े हो गए। चार पांच दिन तक खड़े रहे, बोले कन्हैया चल उंगली नीचे कर ले। भगवान ने कहा काका अगर हमने उंगली नीचे कर लिया तो? अरे बोले तो क्या, तुमसे हम कम पहलवान हैं क्या? हम मक्खन खाते, दूध खाते, दही खाते, तुमसे कम पहलवान तो है नहीं काका। तो हम करते हैं नीचे उंगली, और जैसे ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी साहब की लकड़िया चटाचट चटाचट चटाचट, कन्हैया संभाल। ठाकुर जी ने उंगली लगाई दी, फिर संभल गया पर्वत। भैया मुकू एक बात बताइयो, ये पर्वत तोते संभल कैसे गयो? कन्हैया बोले सच बताऊं गुरु तो ना ही मानेगा। बोले ना है। बोले जब हम कभी बैठते हैं तुम हमें एक दृष्टि से देखते हो, हम तुम्हें देखते हैं, तो तुम्हारे दृष्टि के माध्यम से अपनी दृष्टि के माध्यम से तुम्हारे भीतर का सारा जो बल है अपने भीतर खींच लेता हूं। ब्रजवासी बोले रहन दे भैया, तभी तो हम कह रहे हैं कि आखिर हम इतने कमजोर काए है रहे और तू इतनो पहलवान काए है रहे हो। आज मुको पता चले हो कि हम सब खाते हैं और तू सारे बल को अपने भीतर खींच लेते हो, आज मुझे पता चल गया। अब तब तक राधा रानी आ गई। यशोदा मैया ने कहा कि वृख भान लली को उधर करो, मेरे कान्हा को मन बट जाएगो। कन्हैया बोले मैया यदि राधा सामने से हटी तो गोवर्धन मुंह पे गिर जाएगो। अगर राधा हट गई तो ये गोवर्धन मुझ पर गिर जाएगा। अब देखिए सात दिन सात रात लगातार बरसात होता रहा, पानी गया कहां। अच्छा आज तो सात दिन सात रात लगातार बारिश हो रहा है ना। जब हमारे राज साहब के यहाँ भागवत हुआ था तब तीन दिन तीन रात लगातार बारिश होता रहा, तब आधा लोग बेचारे जैसे यहाँ बैठते थे तैसे ऊपर से वो कौन सा तूफान आया था उस समय कोई तूफान आया था ना, बिहार से आया था, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उस तूफान का असर था, पूरा पांडाल ऐसे उखड़ा पखड़ा रहता था। दो तीन दिन तो हम लोगों ने भीतर बैठ करके पांच छह लोगों में कथा कह ली थी, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर की चर्चा और बची हुई है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आखिर ये सात दिन लगातार बारिश हुई तो पानी गया कहां। ब्रज में बाढ़ आई नहीं, बाल बाल बहे नहीं, जमुना जी में बाढ़ आई नहीं, गया कहां। तो चलिए थोड़ी देर के लिए त्रेता युग ले चले आपको। जब राम जी रावण को मार करके आए तो सीता जी ने कहा हम सब ने इतना बड़ा कार्य किया है तो कोई पंडित जी मिल जाते तो भोजन वोजन करा दिया जाता। राम जी ने कहा अच्छी बात है, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करते हैं तो घर पे देवता भोजन करते हैं, पितृ संतुष्ट होते हैं तो भोजन तो कराना ही चाहिए। तो सीता जी ने कहा लेकिन आजकल पंडितों का खुराक कम हो गया, ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो थोड़ा ठीक ठाक खाने वाला। अब इतना अभिमान से सीता जी बोली, राम जी ने कहा देवी जी चिंता ना करो, ऐसे पंडित जी को बुलाएंगे कि फिर दोबारा कान पकड़ करके कह दोगे कि अब आज के बाद भोजन हम किसी को नहीं कराएंगे। राम जी ने अगस्त जी से कहा प्रभु हमारे घर भोजन करना है। अगस्त जी ने कहा अकेले की और कई लोग? अरे बोले महाराज अब आपका ही पेट भर ले जाए तो बहुत बड़ी बात है, जब तीन अंजलि में समुद्र पी जाते हो तो महाराज भोजन कितनी थाली जाएगी तो भगवान ही जाने। अगस्त जी आकर के बैठ गए, भोजन साढ़े ग्यारह बजे परोसा गया।
अगस्त जी देख रहे हैं 56 कटोरियों में 56 प्रकार का व्यंजन, वीआईपी घर का भोजन ही अलग होता है। इतनी पतली पतली रोटी, इतने बड़े बड़े कटोरी में महाराज 20 प्रकार की सामग्री। अब देखते ही डर लग जाता है कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म। अब अगर कहीं ज्यादा खाओ तो भी अपने आप को लगता है कि कोई ये ना बुरा मान जाए कि इतना खाते हैं, है ना, तो संभल संभल करके हाथ चलाना पड़ता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब अगस्त जी बेचारे ऐसे देख रहे, मैया ये कटोरी नाक में डालूं, कान में डालूं, आंख में डालूं, क्या करूं इसको। माता जी ने कहा भोजन करिए। अब अगस्त जी ने 11:30 बजे भोजन किया, शुरू कर दिया। सीता जी ने देखा 3:30 बज गया, ना बिना रुके बिना थके अनवरत भोजन चल रहा है। सीता जी ने कहा और कुछ कमी होगी तो बता देना। बोले माता जी अभी कमी की बात छोड़ो, अभी शुरू ही कहां किया है। बोले क्या हो रहा है तब। बोले अभी तो खाली नमक चेक हो रहा है, हो जाएगा फिर देखें। सीता जी ने कहा ठीक। 3:30 दिन बीत गया, 3:30 दिन बीत गया। सीता जी ने कहा और कुछ। बोले माता जी ब्राह्मण हैं हम, भोजन करते समय बातचीत नहीं करते, पहले भोजन हो जाने दो फिर पूछना। बोले गुरु जी हम तो इसलिए पूछ रहे, थोड़ा सा जल पी लेते तो अच्छा होता। पी लेंगे, अभी तो चलने दो। सीता जी ने कहा हे भगवान, ऐसा ब्राह्मण आया अभी 3:30 दिन में आधा भी नहीं हुआ, तब पूरा कब होगा। गणेश जी से कहा बाबा हमारे घर भोजन बनाने आ जाओ। गणेश जी बेचारे पौना लेकर के पहुंच गए। 15वें दिन हाथ जोड़ करके बोले माता जी 2 बच्चे हैं शुभ लाभ, नाती 2 हैं योग क्षेम, 2 पत्नी हैं रिद्धि सिद्धि, हाथ जोड़ते उनका भी हमको ध्यान रखना, अब छुट्टी मिल जाता तो चले जाते। सीता जी ने कहा जाइए, अष्ट सिद्धि आ गई। अब ये बेचारी पौना लेकर के पूरी छानने लगी और ये बेचारे और लाओ और लाओ और लाओ करते गए। सीता जी के पास राम जी आए, पंडित जी भोजन कर रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं, भंडार पूर है। सीता जी ने कहा कि एक बार इनका अगर पेट भर जाता तो फिर ये संकल्प कर लेती किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराती, इतना खाते। राम जी ने कहा तो अब तो पूरा होने वाला है। बोले पूरा क्या, अभी तो आधा हो तब तो पूरा की बात करी जाए। राम जी ने कहा अच्छा ठीक ठीक। अगस्त जी ने कहा बंद करूं। राम जी ने कहा कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। अब बेचारी भोजन करते जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि बेचारी नवनिधि ये भी बेचारी 22वें दिन हाथ जोड़कर बोली माता जी आदेश हो तो हम निकल जाए। इधर कुबेर जी जाकर के खजाना देखें कि 1 कोना गया, 2 कोना गया, 3 कोना गया, थोड़ा सा बचा है। बोले प्रभु स्टॉक बोल रहा है, जो एकत्रित किया गया सब जा रहा है। सीता जी बेचारी बैठी हैं, नवनिधियों को बुला लिया, वो भी बेचारी भोजन बनाते बनाते 26वें दिन भोजन बना करके बोली माता जी अब हमको भी छुट्टी दे दीजिए। 26वें दिन रात्र में आए भगवान तो देखा सीता जी पूरी निकाले, फिर बेचारी फिर पूरी निकाले, फिर ऐसे करें। राम जी ने कहा क्या हुआ। बोले पंडित जी क्या हुआ, बंद नहीं हो रहा, खा रहे। अब भोजन अगर ब्राह्मण करने बैठा हो और पेट भरे बिना छुट्टी कैसे दिया जाए। 27वां दिन हुआ, राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा अब बंद कर दो, नहीं तो अगर तुम चालू रहे तो हमारी पत्नी का श्वास बंद हो जाएगा। अगस्त जी डकार कर लेकर के बोले तो ठीक है प्रभु, थोड़ा सा जल की व्यवस्था भी हो जाती तो आनंद आ जाता। सीता जी ने कहा इधर आइए। राम जी ने कहा क्या हुआ। अरे कहा जब 27 दिन भोजन किया है तो 54 दिन से कम पानी पिएगा। अरे भोजन तो जैसे तैसे हो गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी यही प्रणाम कर लो कि अब पानी की व्यवस्था न हो पाएगी। राम जी ने इशारा किया प्रभु आप तो सामर्थ्यवान पुरुष हैं, एक कल्प में भोजन कर लिया, अगले कल्प में जल पी लेना, क्या समस्या है। बोले कोई बात नहीं। और जैसे इन्होंने एक युग में भोजन कर लिया, अगले युग में पानी पी लेना। बोले ठीक है महाराज। अब इन्होंने त्रेता में भोजन किया और त्रेता में समाधि लगाए, द्वापर आ गया, जल गिर रहा है, शेषनाग जल को एकत्रित कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र जल को सुव्यवस्थित कर रहे हैं और अगस्त जी सारा जल पी गए, एक भी बूंद जल बचने में नहीं पाया। इधर इंद्र ने देखा कि सारे मेघ थक करके वापस आ गए। बोले महाराज अब हमको मरना नहीं है,
तब इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे और गोवर्धने धृते सैले आसाद रक्षिते व्रजे गोलोकाद व्रजत कृष्ण सर्वी सक्रिय विचार। आकर के भगवान से विनती करने लगे, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। आप महात्मा हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, आप कृष्ण हैं, आप यादवों के पति हैं, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है कि भिन्दते हृदये ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की गांठ खुल जाती है, संशय टूट जाते हैं, कर्मों का बंधन छीण हो जाता है, उस समय परमेश्वर का अवर दर्शन हो जाता है। हृदय का जो गांठ है, इसका मतलब क्या है? भगवान पर अविश्वास है, वह छूट जाता है और जीव अपने को ब्रह्म पर छोड़ देता है। कैसे? जैसे कोई बच्चा जब तक छोटा सा रहता है तब तक अपनी पूरी जिंदगी किसके ऊपर रखता है? माता के ऊपर। तो जैसे छोटा सा बालक माता पर अपनी जिंदगी समर्पित करके रखता है, उसी प्रकार से ये संसार के लोग अपनी जिंदगी परमात्मा के चरणों में समर्पित करके रखते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। कामधेनु नाम की गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान का एक नाम हो गया गाह विंदती इति, जो वेदों को लक्षणा प्रदान करे उसी का नाम क्या है? गोविंद। भगवान का एक नाम हो गया गोविंद। कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युतः। हे परमात्मा, आप जैसा योगेश्वर पा करके हम सब सनाथ हो गए। और प्यारे भगवान ने जिस गाय के दूध से अभिषेक किया, वो दूध जिस कुंड में जाकर के एकत्रित हुआ, उस कुंड का नाम हो गया गोविंद कुंड। अगर आप कभी वृंदावन जाना तो वृंदावन में एक कुंड है मानसी गंगा के बगल में, मानसी गंगा के बगल में है गोविंद कुंड। और उस कुंड का जल जब आप पिएंगे तो लिखा हुआ है गर्ग संहिता के चतुर्थ अध्याय के 17वें श्लोक में, और आप जाकर के प्रत्यक्ष अनुभव ही कर लीजिएगा क्या वहां का भाव है। बोले तस्मिन कजातिद दुग्धस्या स्वादुक्तम प्रतिपद्यते। वहां का जब आप जल पियोगे तो आपको लगेगा जल नहीं बल्कि हम दूध पी रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, ऐसा उस जल दूध का प्रभाव आज भी जल में दिखता है। अब आपको बता दूं ये गोवर्धन जी कौन है। इंद्र प्रणाम करके चले गए। भगवान ने 10 श्लोकों में इनको प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है वो ब्रह्मा भी क्यों ना हो, मैं उस पर रीझता नहीं हूं। और वो केन केन प्रकार अगर कोई मेरे भक्त को मुझसे जोड़ देता है तो वो थोड़ी सी भी स्तुति करके हमारा हो जाता है। गोवर्धन जी कौन है? बोले एक बार भगवान जब अवतार लेने जा रहे थे तो भगवान ने कहा राधा चलोगी, अवतार का समय हो गया है। राधा रानी ने कहा जहां गोवर्धन नहीं होगा वहां हम नहीं जाएंगे। तो तुरंत भगवान के नेत्र से एक जल की बूंद धरती पर गिरी, वो कठोर हो गया और बाद में वही एक पर्वत के रूप में परिणित हो गया। और भगवान की प्रेरणा से सालमनी द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से द्रोण का जन्म हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हिमालय सुमेरु आदि पर्वतों ने आकर के खूब प्रेम से पूजन किया और बाद में गिरिराज का पूजन करके चले गए। एक बार पुलस्त जी ने द्रोणगिरी से कहा कि हम गिरिराज जी को लेकर काशी जाना चाहते हैं। गोवर्धन जी ने शर्त रखा कि जहां मैं एक बार बैठ जाऊंगा वहां से फिर दोबारा नहीं उठूंगा। तो प्यारे इस तरह से
जैसे ही ब्रज आया गिरिराज जी स्थापित हो गए। लाखों प्रयास करने के बाद जब गिरिराज जी नहीं उठे तो श्राप दे दिया कि आज के बाद तिल तिल घटते रहोगे। आप देखेंगे वृंदावन में पर्वत तो है लेकिन उसकी चोटी नहीं दिखती। आज भी वृंदावन में पर्वत तीन जिले में है, ध्यान दीजिएगा, तीन प्रदेश में है, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीन प्रदेश में है ये गिरिराज जी का परिक्रमा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, तीन प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तीन प्रदेशों से होकर के परिक्रमा जाती है भगवान की। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वहीं गिरिराज जी स्थापित हो गए। दूसरा, जब सभी पर्वतों को ला करके श्योतबंध रामेश्वरम की संस्थापना की जा रही थी उस समय हनुमान जी ने जाकर के गिरिराज को उखाड़ा तो गिरिराज पर्वत ने कहा आप संत हैं, एक संत को किसी को उखाड़ना क्या अच्छी बात है? हनुमान जी ने कहा उखाड़ना अच्छी बात नहीं लेकिन अगर उखाड़ करके कहीं बसा दिया जाए तो बुरी बात भी नहीं है। तो कहां बसाओगे? कहा राम जी के चरण में। तो कहा कि अगर कहीं आपने अपने वादा को तोड़ दिया तो? बोले हम हनुमान हैं, आपको वचन देते हैं, आपको भगवान का चरण जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे हनुमान जी कुछ दूर आए तब तक गोवर्धन जी को लेकर जा रहे थे, आवाज आई जो पर्वत जहां है वहीं रख दिए जाए। गिरिराज जी को बड़ी पीड़ा हुई, प्रभु अब ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। हनुमान जी को बड़ी पीड़ा हुई तो राम जी ने कहा कि द्वापर में हम स्वयं अपने हाथ से गिरिराज जी का पूजन करेंगे और गिरिराज जी का पूजन करके संसार का उद्धार करेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को पर्वतों को बचाने के पीछे एक मंतव्य था कि अगर हम अपने पर्वतों की रक्षा करेंगे, नदियों की रक्षा करेंगे, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो आज भी हमारा जीवन अच्छे ढंग से चल सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन के लिए कितने लोग मरे, पिछले वाले सत्र में ऑक्सीजन से कितने लोग मरे बताइए। भारत जैसा जहां प्रकृति पर्यावरण सब इतना अच्छा हो वहां अगर कोई ऑक्सीजन की कमी से मर जाए तो कितनी बड़ी पीड़ा होती है, बोलो हाँ कि ना? तो अगर हम वृक्षों को काटते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आपके घर में ऑक्सीजन की कमी होगी। क्योंकि वृक्ष क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन देते हैं। लेते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं। और एक वृक्ष दस पुत्र समान किसी नारी को बेटा नहीं है, वह नारी एक वृक्ष लगा दे तो समझ लेना कि उसके पास दस बेटे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान ने पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया इस गोवर्धन दान की लीला के माध्यम से। आज भी लोग मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो तमाम महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं लेकिन वो गिफ्ट ज्यादा दिन चलने वाले नहीं, कितने भी महंगे हों। एक वृक्ष दे दिया, एक पौधा दे दीजिए, वो पौधा जितना बड़ा होगा फल भी देगा, शीतलता भी देगा, लकड़ी भी देगा, है ना? तो और हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन भी प्रदान करेगा। इस भाव से भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। आइए हम सभी लोग एक बार हाथ जोड़ करके गिरिराज जी से प्रार्थना करें, इसके बाद भगवान की झांकी आएगी, आप लोग दर्शन करेंगे। एक आवश्यक सूचना, आज दिन में आपने सुना भगवान का माखन चोरी लीला, इस टाइम आप गोवर्धन दान लीला सुने, कल दिन में जो कथा होगी ये भगवान की रास लीला की कथा होगी, रात्रि में जो आप लोग कथा श्रवण करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है रात्रि का, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कंस आदि राक्षसों का वध, उद्धव गोपी संवाद, और उद्धव गोपी संवाद बड़ा आनंददायक प्रसंग है, यह भी आप लोग श्रवण करेंगे। कल रात्रि में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। जिन माताओं को भगवान का पांव पूजन करना होगा, अपने अपने घर से वस्त्र बर्तन क्या बोलते हैं, खिल और पायल बिछिया नथिया बेदिया नौलखा हार, है ना, जो भी जिसको भगवान ने दिया होगा ला करके भगवान का पांव पूजन करेंगे, वस्त्र बर्तन से माता रुक्मिणी जी का पूजन करेंगे। अब अगर कुछ भी नहीं लाएंगे तो बारात है, भगवान की बारात में जरूर आएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, है ना? लेकिन बारात कल आएगा और जो भंडारा होगा वो परसों होगा, एक रात मर्याद रहेगा, ठीक? पुरानी परंपरा का विवाह होगा भगवान का तो कल भगवान की बारात में, और ऐसे नहीं आएंगे जैसे आज आप लोग आए हैं,
बढ़िया लगे कि बराती बनकर के आप लोग आए हैं, है ना। तो माताएं भी बढ़िया बराती बनकर के आएंगी, भैया लोग भी बराती बनकर के आएंगे, दादा लोग अपना जो जैकेट कुर्ता सदरी होगा सब पहन करके आएंगे, नौजवान हमारे भाई जो है कोट पैंट टाई में आएंगे, माताएं बढ़िया वस्त्र आभूषण धारण करके आएंगे, हैं। और आभूषण आभूषण बचाना गिर जाता है तो हमको बदनामी होती है, हैं। हमारा ये सोना गिर गया, वो चांदी गिर गया, तो थोड़ा अपना आभूषण आभूषण संभालना, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरी बात ये है कि कल भगवान के विवाह में सबको नृत्य करना पड़ेगा, जिसको आता होगा उसको, और भगवान के बारात में सब साधन आमंत्रित हैं, पांव पूजन होगा, गाली होगी, भगवान का विवाह मनाया जाएगा, तो ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो सब बढ़िया रहेगा। आप सब अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, कल मेरे श्याम की शादी है, है ना। तो आप लोग एकदम बराती बन के आएंगे, जिनको पांव पूजन करना होगा अपने अपने घर से वस्त्र बर्तन आदि लेकर के पांव पूजन करेंगे, नहीं भी कुछ लाएंगे तो भी जरूर आइएगा। आइए भगवान से प्रार्थना करें। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमो अस्तुते। हे गिरिराज जी, हम मन से आपकी शरण में आए हैं, जाने अनजाने वाणी व्यवहार के द्वारा अगर कोई भी हमसे अपराध हो गया हो तो मेरे अपराध को क्षमा करके आप हम भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। हे गोवर्धन जी, हम सब सुखी हों, समृद्धशाली हों, धन धान से परिपूर्ण हों, हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं। बोले गिरिराज भगवान की जय। अब आइए भगवान की झांकी आपके मध्य में आ रही है, जब हम कहेंगे तब सब लोग खड़े होंगे, बाकी कोई खड़ा नहीं होगा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर श्री गोवर श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दोनों हाथ भर करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे माथे पे बिंदिया रोरी को, तेरे माथे पे बिंदिया रोरी को, तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हालाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरी
को रूप तिहारो सात कोश को रूप तेरो सात कोश को रूप तिहारो सात कोश को रूप तिहारो। प्रेम से बोलिएगा दोनों हाथ ऊपर करके, तुम सब भगतन को ताज सिर ताज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोश की परिक्रमा हो तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा राज पर्वत उठने जा रहा है और सभी लोग प्रेम के साथ ताली बजा करके भगवान का स्वागत करेंगे। प्यारे कन्हैया ना हो प्यारे कन्हैया ना नख पे गिरिवर लीनो धार हो मेरो प्यारो कन्हैया ना नख पर गिरिवर लीनो धार प्यारो कन्हैया ना हो मेरो प्यारो कन्हैया ना प्यारो कन्हैया ना हो मेरो प्यारो कन्हैया ना। जिसको मन से गिरिराज जी की पूजा करनी है दोनों हाथ भर करके बोलेंगे हो नख पे गिरिवर लीनो धार हो मेरो पर गिरिवर लीनो धार मेरो प्यारो कन्हैया ना बाल बाल के संग में प्यारे पर्वत को है उठाए बाल बाल के संग में प्यारे पर्वत को है उठाए प्रभु की महिमा देख करके इंद्र आज घबराए प्रभु की महिमा एक बार बोली गिरिराज धन भगवान की नख पर गिरिवर लीनो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से आकर के भगवान को भोग लगाएंगे और सभी लोग मेरे साथ ताली बजा करके कहेंगे श्याम रसिया हो घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया श्याम रसिया श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जय जय श्याम रसिया मेरो बने बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ऐसा भोग लगाओ रसिया ऐसा भोग लगाओ रसिया सब अमृत बन जाए रसिया सब अमृत बन जाए रसिया जय जय श्याम रसिया सभी लोग बैठ जाइए श्याम रसिया मेरो श्याम
भगवान का मुख भक्तों की तरफ करा दीजिए। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करना, राजी खुशी से रखना, हमारे घर में हमेशा नित्य निरंतर रोग शोक नष्ट हो, भक्ति धर्म का वृद्धि हो। एक बार बोले गिरिराज धरण भगवान की, श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। जिनको गोवर्धन जी को भोग लगाना है वो आ जाए, भोग लगा सकते हैं, और जिनको कुछ धर्म करना है आकर के दान कर सकते हैं गिरिराज जी के चरणों में। और आप लोग दान करते रहें और प्रेम से आरती के लिए हमारे यजमान जी आ जाएं, भगवान की आरती करेंगे। बाकी जिसको दान करना है भोग लगाना है वो आएंगे, भगवान को भोग लगाते रहेंगे और दान करते रहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आरती करेंगे सभी लोग प्रेम के साथ। ओम इदं गुं हवेहि प्रजननम मे अस्तु दस्वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नि प्रजां बहुला मे करो त्वन्नं पयोरेत असमासुधत्त। दान करने वाले लाइन से आकर के दान कर सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती यारी।
कुटबिल से हो कनक मैं मोरी कुटबिल से देवता दर्शन को तरसे हो तरसे देवता दर्शन को तरसे तरसे गगन सो सुमन से भर से उज्जवल तट रे चमकती उज्जवल तट रे बज रही वृंदावन बज रही वृंदावन Krishna 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 Hare Hare आज की कथा यहीं पर विश्राम बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय आज के आनंद की जय श्रोता वक्ता की जय भक्त और भगवान की जय दीन बंधु दीनानाथ की आज के आनंद की समस्तावाही देवियों की समस्त देवताओं की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम पार्वती पतये हर 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 महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेषां